हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द सोशोलॉजी ऑप्शनल लेक्चर बाई सुन इन बाइलिंगुअल मोड एंड फ्रेंड्स टू आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द लास्ट लेग ऑफ यूनिट टू ऑफ पेपर वन दैट इज फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी सो आज हम लोग यूनिट टू का लास्ट लेक्चर फिनिश करेंगे सो हम लोग यूनिट टू फिनिश कर देंगे आज आफ्टर दिस वी विल बी जम्पिंग टू द यूनिट थ्री सो दिस इज लेक्चर नंबर एट एंड यूनिट इज यूनिट टू डी नाउ मूविंग अहेड अगेन एज पर द कन्वेंशन आई एम जस्ट शोइंग यू कि इस यूनिट टू में कितने सब पार्ट्स थे सो so, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे इसके प्रीवियस जितने भी सब पार्ट्स से कवर कर लिए हैं लाइक like, सबसे पहले हमने साइंस साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक किया था इसके बाद वी जम्प टू द पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक आफ्टर दैट वी टॉकड अबाउट मेजर थरिटिकल स्टैंड ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी जहाँ पे मैंने माइक्रो पर्सपेक्टिव कवर किया था फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देन आई टॉक्ड अबाउट द न्यू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देन पर्सपेक्टिव में मैंने मार्क्सिस पर्सपेक्टिव कवर किया था फैमिलिस्ट पर्सपेक्टिव कवर किया था आफ्टर दिस आई मूव ऑन टू द नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोलॉजी वेर आई टॉक्ट अबाउट वेरियस काइंड ऑफ यू नो माइक्रो पर्स्पेक्टिवस लाइक यू नो यू कैन टॉक अबाउट एथनो एथनोमेथडोलॉजिस्ट फिनोमिनोलॉजिस्ट सिम्बॉलिक इंट्रेक्शनिस्ट एंड देन ड्रामाटॉजी नाउ वी आर डीलिंग विद द लास्ट लेग दैट इज़ फैक्ट वैल्यू इन ऑब्जेक्टिविटी सो so, आज जैसे कि मैंने पहले बोला आज हम लोग यूनिट टू फिनिश कर देंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग यूनिट थ्री को स्टार्ट करेंगे नाउ लेट्स लुक इन टू सर्टेन क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से दैट इज फैक्ट वैल्यू इन ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रस्ट में ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है वंस वी हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉट इज फैक्ट वट इज वैल्यूज वट इज ऑब्जेक्टिविटी एवरी आंसर यू विल फाइंड इट वेरी इजी पहला क्वेश्चन है इज अ वैल्यू फ्री साइंस डिस्कस और शॉर्ट नोट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन था ये 2020 में पूछा गया था अब देखिए क्वेश्चन यू नो आपको कुछ क्रिटिकल वर्ड्स देखने जैसे वैल्यू फ्री तो मैं आपको आज बताऊंगा कि वैल्यू फ्रीडम होता क्या है ठीक है नेक्स्ट इज व्हाट इज वैल्यू फ्री सोशलॉजी क्लारीफाई देखिए सेम क्वेश्चन है इज सोशलॉजी वैल्यू फ्री साइंस और यू कैन से वॉट इज वैल्यू फ्री सोशलॉजी क्लैरिफाई बस थोड़ा सा डायरेक्टिव चेंजेस डिस्कस एंड क्लैरिफाइ अगेन शॉर्ट नोट काइंड ऑफ क्वेश्चन दो में पूछा गया था

एंड डिस्कस विथ रेफरेंस टू वेबस व्यू ऑन मेथोडोलॉजी अब देखिए वेबस व्यू ऑन मेथडोलॉजी जो है हम लोग बहुत सारे डिटेल में कवर करेंगे जब लोग वेबस मैक्स वेबर करेंगे यूनिट फोर में थिंकर्स में यहां पर मैं आपको छोटे छोटे हिट दे दूंगा सो दैट यू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड दिस अगेन क्वेश्चन वॉज आज इन टू थाउजेंड फोर्टीन टेन मार्कर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन था शॉर्ट नोट काइंड ऑफ क्वेश्चन अब देखिए इस टॉपिक से अगर आप देखेंगे लास्ट इटियर में ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं गया है ओनली फोक क्वेश्चन हैज बीन आज सो डिपेंडिंग ऑन द यूटिलिटी ऑफ द टॉपिक वील कवर द कंटेंट हम लोग बहुत ज्यादा डेप पे नहीं जाएंगे हमारा जो मेन पकसद है कि आपके पास सफिशियंट फॉर्डर पॉइंट हो सो दैट यू कैन आंसर अपने प्रीवियस ईयर तो आप आंसर कर ही पाए सो पाएसो यू आर एबल टू आंसर जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं फ्यूचर में राइट नाउ मूविंग अहेड फर्स्ट टॉपिक इज वॉट इज फैक्ट अब अगर मुझे फैक्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना है तो फैक्ट में बोलूंगा फैक्ट इज समथिंग विच इज रियल विच इज रियल और यू कैन से समथिंग विच हैज अइंड ऑफ रियालिटी है वो रियल है उसको कुछ आप वेरीफाई नहीं कर सकते ठोके विच डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन वेन यू से इट डजन नीट एनी काइंड ऑफ एंड यू कैन से ऑब्जर्वेशन और बेटर वर्ड विल बी इट डजन नीड एनी काइंड ऑफ वेरिफिकेशन

ऑलवेज राइज फ्रॉम द ईस्ट प्रोवाइडेड एवरीबडी दिस कन्वेंशन कि भाई ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है अगर सबने शेयर्ड कन्वेंशन इनके सबके पास है कि हम लोग डायरेक्शन को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे तो एवरी टाइम सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट मैं इग्नोर करूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर लू नहीं वो फैक्ट रहेगा ठीक है सो फैक्ट ऑलवेज स्पीक फॉर इट्स सेल्फ रिमेंबर और इसको किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है एंड अगर किसी को वेरीफाई करना भी है दैट इट कैन बी वेरीफाइड थ्रू रिपीटेड ऑब्जर्वेशन फैक्ट कैन बी वेरीफाइड थ्रू रिपीटेड ऑब्जर्वेशन अब सपोज मुझे देना है कि बहुत ही फॉर्मल और सिंपल क्रिस्प अगर डेफिनेशन देनी है तो इल से आई यू नो कोट टू स्कॉलर्स एंड दैट इज एज पर विलियम गुडे एंड पॉल हट फैक्ट इज एन इम्पेरिकली वेरीफाइड ऑब्जर्वेशन आप इसको कोट कर सकते हैं एज पर विलियम गुडे एंड पॉल हट फैक्ट इज एंड इम्पेरिकली वेरिफाइड ऑब ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है यह आप एज अ फॉर्मल डेफिनेशन लाइक वॉट इज फैक्ट यूज कर सकते हैं एंड रिमेंबर टू नेम द टू स्कॉलर नेम ओके सो दिस इज इन अ वेरी बेसिक लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि फैक्ट होता क्या है एंड रिमेंबर

एल डंखिम ये सारे पॉजिटिविस्ट हैं हु वॉन्ट टू स्टैब्लिश हु वॉन्टेड टू स्टैब्लिश अ साइंस ऑफ सोसाइटी साइंस ऑफ सोसाइटी बाई यूजिंग नेचुरल साइंस मेथडोलॉजी by using natural science methodologies okay to study social phenomena अब देखिए जैसे अगर आपको याद होगा मैंने एक बार हिंट भी दिया होगा earlier अभी फिर से बता देता हूं जैसे एमिल दुर्खीम ही इन हिज वेरी फेमस बुक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मैथड एम एल डखिम ने बात किया था कि किसी भी सोशलॉजिकल फिनमिला को बहुत ही ऑब्जेक्टिव मैनर में जैसा वो है उसको वैसे रिपोर्ट कर पाए कोई बाइसनेस ना आए तो उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं तो दीज पॉजिटिविस्ट उन्होंने क्योंकि बोला था कि हम कोई भी रिसर्च करेंगे दैट रिसर्च शुड बी डन इन अ वेरी वेरी यू नो न्यूट्रल मैनर कोई सब्जेक्टिव बायस उसमें क्रीपिन ना हो सो दे टॉक्ड अबाउट स्टडिंग एनी सोशल फोनॉमुना यूजिंग यू नो साइंटिफिक मेथडोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी सो जब हम लोग किसी साइंटिफिक मेथडोलॉजीज को यूज करके सोशल फार्मोना को पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी सो उसको इंफेसाइज करने के लिए उन्होंने एम एल डक ने एक बुक लिखी थी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड एंड ही टॉकड अबाउट सोशल फैक्ट ये हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसके लिए आप थोड़ा परेशान मत होइएगा प्लीज रीजन क्या है कि सोशल फैक्ट और ये रूल्स ऑफ सोशल फैक्ट मैटर फिर से बहुत करूंगा एम एल डर में अब सोशल फैक्ट क्या है कि एक फिलोसफिकल कॉनोटेशन है अब इसमें क्या है कि उन्होंने बोला कि सोशल फैक्ट को ट्रीट इट एज अ थिंग इससे इस क्या होगा ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर्ड होगी जैसा है आप उसको वैसे ही पोर्ट्रे कर रहे हैं ठीक है तो साइंटिफिक मेथडोलॉजी को डिप्लॉय करने के लिए ही सेट कि सोशल फैक्ट को ट्रीट ट्रीट करिए एज अ थिंग एंड ही सेट कि सोशल फैक्ट इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी सोशोलॉजी बेसिकली सोशल फैक्ट के बारे में पढ़ेगा अब सपोज अगर मैं कोई थिंग है सपोज इस पेन है तो पेन को हम लोग सोशल फैक्ट को थिंग क्यों कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज कोई भी थिंग है इट इज फिजिकली नेचर जिस तरह से पेन है तो पेन को अगर मैं छोड़ दूंगा तो इट विल रिएक्ट मैकेनिकली अगर आई विल थ्रो इट इट विल सिम्पली गो एंड फॉल डाउन एट अ सर्टन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड तो ये मैकेनिकली रिएक्ट करेगा ठीक है इससे मेरा कोई अटैचमेंट नहीं आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ प्री कंसीव नोशंस इमोशंस अटैच कोई बायसनेस नहीं मेरा पेन के टुअर्ड्स ठीक है चेयर हो गई या पोडियम हो गया या ए हो गया इनसे कोई मेरा अटैचमेंट इमोशनल अटैचमेंट नहीं है तो अगर ऐसा मेरा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है तो मैं उन सब चीजों को बहुत ही ऑब्जेक्टिव मैनर में स्टडी कर पाऊंगा सो दैट इज वाई वी ट्रीट दैम एज अ थिंग अब सपोज बींग अ सोशलॉजिस्ट आई एम अ ह्यूमन सपोज ओके अब नाउ आई एम अ अूमन बींग सोशलॉजिस्ट आई एम ट्राइंग टू स्टडी सम सोशल फिनमिना तो अब इस चीज को ऐसे देखिए कि आई एम आई एम आएम अंग जिनको मैं पढ़ रहा हूँ वो भी ह्यूमन बींग है तो ऐसा हो सकता है कि मेरे शायद कुछ इमोशंस अटैच हों ठीक है कोई मेरे वैल्यूज क्रीपिन हो जाए तो उससे क्या होगा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव मैनर में स्टडी नहीं कर पाएंगे ठीक है सो दैट इज वाई हिस्सेट कि सोशल फैक्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ थिंग उनको हम लोग एज अस किसी सोशल फिनमिली को एज अ यू नो कोई प्रैक्टिस जिससे हमारे कोई अटैचमेंट हो वैसे ट्रीट नहीं करेंगे बिकॉज ह्यूम क्या होते हैं दे रिएक्ट मीनिंगफुली ओके things react mechanically and humans react meaningfully humans they react meaningfully to external stimuli okay so this is overall a very basic basic thing that i wanted to tell you okay so i think this is very easy part Now, let's look into the sources of facts. अब देखिए क्या होता है? Facts basically datas, जो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अब इसके बहुत से sources हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं प्राइमरली टू पार्ट में डिवाइड करूं तो प्राइमरी फैक्ट्स प्राइमरी सोर्सेस सॉरी प्राइमरी सोर्सेस की जो आपने खुद कलेक्ट किया है यू हैव कलेक्टेड इट योर सेल्फ अगर आप रिसर्चर हैं, तो आपने खुद ही डेटा कलेक्ट किया है आप सर्वे से कलेक्ट किया है आपने इंटरव्यू करके कलेक्ट किया है क्वेश्चन एयर देकर कलेक्ट किया है, कैसे भी बट आपने डेटा कलेक्ट किया है कुछ होता है सेकेंडरी सोर्सेस अब सेकेंडरी सोर्सेस बेसिकली क्या है सेकेंडरी सोर्सेज ऐसा है कि सपोज किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है और आप उस डेटा को बस एनालाइज कर रहे हैं ठीक है अब सपोज आपके हाथ में कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लग गया ठीक है या कोई रिसर्च पेपर लग गया या किसी ने रिसर्च किया उसकी फाइंडिंग्स के डेटा आपके हाथ में लग गया गवर्नमेंट के डेटा आपने यूज कर लिए इंटरनेट से आपने कुछ डेटा कलेक्ट कर लिए तो वो सब सेकेंडरी सोर्सेज है डेटा किसने कलेक्ट किया आपने बस उसको यूज कर लिया है ठीक है तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं आपने मे तो बी सर्वे से यूज किया हो क्वेश्चन से यूज किया हो डेटा क्वेश्चन से डेटा कलेक्ट किया हो इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट किया हो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आपने यूज किया हो यहां पे क्या है सपोज आपने कोई इंटरनेट से डेटा कलेक्ट किया हो किसी और डेटा कलेक्ट किया यू आर जस्ट यूजिंग इट कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिल गया है ओके देन यू कैन टॉक अबाउट सम रिसर्च पेपर वहां से कुछ डेटा मिल गया है या फिर गवर्नमेंट का डेटा मिल गया है एंड एक्सेट्रा ठीक है तो बहुत ही सिंपल है ये एंड आई हैव गिवन यू प्रॉपर वेरी इजी डेफिनेशन रिमेंबर टू कोट विलियम गोडे एंड पॉल हट नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्ट्स अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्ट में हम लोग चलते हैं सबसे पहला क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑब्जेक्टिव रियलिटी अब ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो हम लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस ओके इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस सपोज जैसे मैंने आपको एक्जाम्पल लिया कि ये पेन है मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया एम इग्नोरिंग दिस बट अगर मैं अपनी आंख बंद कर लूँ मैं इसको नहीं देख रहा हूं बट स्टिल पेन विल ऑलवेज रिमेन देयर के सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस मेरा क्या परसेप्शन इस पेन के टूअर्ड्स इसको फर्क नहीं पड़ता ये हमेशा रहेगा सो दैट इज वाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस और ह्यूमन परसेप्शन

तो इट कैन बी इजली मेजर्ड अब आपसे सुसाइड रेट है या क्राइम रेट अगेंस्ट वीमेन है या दलित अट्रोसिटीज के रेट है ठीक है या अनटचबिलिटीज प्रैक्टिसेस के क्या इंसिडेंसेस है या पॉवर्टी क्या है हमारा पॉवर्टी रेट क्या है ये सब हम लोग मेजर कर सकते हैं ठीक है सो दैट इज वाई इट कैन बी मेजर्ड एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट नंबर और यू कैन सी इट कैन बी इजली क्वांटिफाइड राइट right? नेक्स्ट है हमारे एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी डिनाइड अब से एग्जिस्टेंस कैन नॉट डिनाइड वॉट इट मीन इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ फैक्ट है तो वो हमेशा रहेगा अब जैसे कि सपोज आपने टेलीस्कोप देखा ओके okay, टेलीस्कोप से आपने किसी प्लानट को देखा अगर आपने टेलीस्कोप आप, आप हटा दें या आप उस प्लानट को इग्नोर कर दें नहीं देख रहे हैं तो क्या वो प्लानट हट जाएगा नहीं वो रहेगा ठीक है अगर हम हम बोल रहे हैं कि सपोज हमने यू uh, नो you know, चंद्रयान किया मंगलयान किया अगर हम इस चीज को नहीं मार रहे हैं तो क्या वो हट जाएगा नहीं वो रहेगा ओके तो एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी डिनाइड बिकॉज फैक्ट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ स्पीक्स फॉर इट्स दूसरे लोग देखेंगे तो उनको भी वही चीज देखेगी जो आपको दिखी नेक्स्ट क्या है स्टैंड इंपेरिकल स्क्रूटनी अब सपोज आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वेन वी से इंपेरिकल तो अगर आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बार बार आपका रिजल्ट सेम आएगा ओके okay, बार बार आपका रिजल्ट सेम आएगा तो थ्रू रिपीटेड ऑब्जर्वेशन यू कैन वेरीफाई द फैक्ट अब सपोज मैं यहां लेता ट्री अब अगर समाज में सब लोग ये चीज मानते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्री बोलते हैं अब इसमें क्या है कि सपोज मैंने फिर से वही एग्जाम्पल देता हूं कि मैं उस चीज को निग्लेक्ट कर रहा हूं ठीक है पर अगर दूसरे लोग देखेंगे तो इट मीन कि भाई वो सामने ट्री है ओके तो इट विल ऑलवेज बी देयर आप चाहे इसको जितनी बार चाहे आप नो जितनी बार खुद एक्सपेरिमेंट कर ले चाहे आप किसी और से एक्सपेरिमेंट करवा ले ठीक है तो इट डजेंट मैटर कितने रिसर्चर है वो हमेशा उस चीज़ को वैसे ही देखेंगे प्रोवाइडेड कि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहे राइट सो दिस इज कॉल्ड यू नो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्ट आप ये एज इट इज ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं इट विल बी रियली गुड नेक्स्ट है वॉट इज थ्योरी अब देखिए फैक्ट मैंने आपको बेसिक चीज बता दी अब थ्योरी में आपको बताता हूं कि थ्योरी को अगर मुझे बहुत सिंपल वे में बताना हो तो मैं आपको बताऊंगा इट्स अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स ओके मीनिंगफुल ऑर्डरिंग ऑफ फैक्ट्स राइट रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स और यू कैन से मीनिंगफुल ऑर्डरिंग ऑफ फैक्ट्स Facts आपस में कैसे अरेन्ज है उनके बीच क्या रिलेशन है दैट इज कॉल्ड अ थियोरी तो अगर सिंपल बताना इट्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच टेंस टू लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्ट्स जेनिक डेफिनेशन मुझे देनी है तो इट्स अइंड ऑफ जनरलाइज स्टेटमेंट विच टेंस टू स्टैब्लिश लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बिट्वीन टू और मोर फैक्ट बहुत ही सिंपल क्रिस्प डेफिनेशन दी मैंने आपको यह आप डेफिनेशन यूज भी कर सकते हैं ठीक है थीके। अब सपोज मुझे अगर कुछ एग्जाम्पल देना हो तो एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं इस डेफिनेशन को सिर्फ डिफाइन करने के लिए समझाने के लिए अब सपोज मैं बोलूं कि क्राइम रेट क्या है क्राइम रेट का आपके पास डेटा है ठीक है डेटा टू क्राइम रेट और आपके पास डेटा है यू नो यू कैन से एजुकेशन का और यू कैन से लिटरेसी रेट का आपके पास डेटा है लिटरेसी रेट का आपके पास डेटा है डेटा कोई भी सकता है गवर्नमेंट का डेटा हो सकता है किसी एनजीओ का डेटा हो सकता है तो दो ये हमारे यू नो वेरिएबल्स हैं इनके लिए आपके पास डेटा है तो डेटा इज वॉट आर फैक्ट्स और बेसिकली आप बोले कि दो फैक्ट्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं क्या लिटरेसी रेट बढ़ने पे लिटरेसी रेट बढ़ने पे क्राइम रेट यू नो गिर रहा है या लिटरेसी रेट बढ़ने पे क्राइम रेट यू नो बढ़ रहा है तो कैसे इनका रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन है इनडायरेक्ट रिलेशन है तो दैट इज वॉय यू इट इज ट्राइंग टू अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्ट एंड दीज आर फैक्ट्स फैक्ट्स रिप्रेजेंटेड बाई वेरिएबल वन एंड वेरिएबल टू ओके दिस इज हाउ वी टेंट टू टॉक अबाउट की वॉट इज थ्योरी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज अब देखिये थ्योरी को अगर मुझे और भी थोड़ा सा इलेबोरेट करना हो नाउ वी नो जैसे कि पॉजिटिविस्ट ट्रेंड की बात करते हैं तो पॉजिटिव ट्रेंड बेसिकली क्या बोलते हैं दे वॉन्ट टू स्टेब्लिश अर साइंस सोसाइटी यूजिंग साइंटिफिक मेथड ओके आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग पॉजिटिविस्ट वॉन्टेड टू डेवलप science of society using scientific method methodology scientific method or scientific methodology to arrive at generalization ओके okay? अब देखिए वो लोग पहले क्या करते हैं पहले वो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं यू कैन से वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं डिफाइंस या आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि सपोज मैं एक सोशोलॉजिकल रिसर्च हूं रिसर्चर हूं एंड आई वॉन्ट टू कंडक्ट अ स्टडी तो पहला स्टेप क्या है कि अगर मुझे क्राइम रेट के बारे में पता करना है तो क्राइम रेट उससे रिलेटेड मुझे डेटा चाहिए तो क्राइम रेट एक वेरिएबल हो गया ठीक है क्राइम रेट एक वेरिएबल हो गया दूसरा हो गया कि क्राइम रेट क्या किससे प्रभावित हो रहा है या किससे रिलेटेड है तो अगर मैं बोलूं डायरेक्टली रिलेटेड है मैं बोलूं इससे यू नो लिटरेसी रेट से, uh, you know, से। ठीक है या फिर इनकम मैं कुछ भी ले सकता हूं इनकम कितनी है ओके okay, तो ये बेसिकली मेरे कुछ वेरिएबल्स वेरिएबल वन टू थ्री नाउ डिपेंडिंग ऑन द kind ऑफ यू नो जैसे मेरे पास डेटा आ रहा है मैं एक हाइपोथिस बना लूंगा जैसे कि मैंने हाइपोथिस बना ली यही वाली आप मैंने बना ली कि क्राइम रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लिटरेसी रेट ओके okay? और यू कैन से क्राइम रेट इज इन डायरेक्टली रिलेड टू द लिटरेसी रेट अगर लिटरेसी ज्यादा बढ़ेगी तो क्राइम रेट गिरेगा ठीक है अब अगर मैंने ये हाइपोथिस बना ली तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइपोथिस आई विल कलेक्ट द डेटा सपोज ये स्टेप वन है तो नाइल कलेक्ट द डेटा

तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो हमने स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस बनाई थी कि क्राइम रेट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द यू कैन से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिटरेसी रेट मतलब कि जब मैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं तो जब यह लिटरेसी रेट बढ़ता है तो क्राइम रेट गिरता है जब लिटरेसी रेट गिरता है तो क्राइम रेट ऊपर चढ़ता है ठीक है तो दोनों का इनवर्स रिलेशन है तो अगर हमारा हाइपोथिस इफ आई नो हाइपोथिस इज एक्सेप्टेड ओके इफ हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड तो ये हाइपोथेसिस क्या बन जाता है हमारा थीसिस बन जाता है ये हमारा थीसिस बन जाता है याद रखना अगर एक बार हमने अपने डेटा से इसको एक्सेप्ट करवा लिया कि ये डेटा के बदले में हमारा हाइपोथेसिस जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था वो एकदम सही है एंड इज बैक्डअप बाय द डेटा इट इज वेरीफाइड बाय द डेटा तो वो थीसिस बन जाता है अगर ये रिपीटेडली रिपीटेडली वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स तो यह क्या हो जाता है थ्योरी हो जाता है और अगर ये यूनिवर्सली हर कॉन्टेक्स्ट में यह थ्योरी एप्लीकेबल होती है तो वो लॉ बन जाती है यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाती है तो आप, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो जाती है इसकी तो इट बिकम्स अ लॉ ओके सो so, पहले हाइपोथेसिस जैसे ही वेरीफाई होता है हमारे फैक्ट से वो थीसिस बन जाता है दिस इज फर्स्ट अगर वो रिपीटेडली वेरीफाई हो जाता है तो वो थ्योरी बन जाती है और अगर वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर सोसाइटी में एप्लीकेबल है तो वो लॉ बन जाता है ठीक है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि थीसिस थ्योरी एंड लॉ में बेसिकली क्या है ठीक है डिफरेंसेस क्या है अब देखिए ये जो मैंने आपको नीचे भी डायग्राम दिखा रहा हूँ आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग आई होप यू हैव डाउन एवरीथिंग अब देखिए थीसिस थ्योरी लॉ ये जितने भी हैं दे आर ऑल अ काइंड ऑफ जनरलाइजेशन ओनली ये जनरलाइजेशन ही है ऑल थ्री आर जनरलाइजेशन विथ डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबिलिटी थीसिस जैसे कि तुरंत आपने डेटा कलेक्ट किया उस सिचुएशन में वो सही होगी आपकी हेपोथीसिस थ्योरी जैसे कि एक किसी सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में वो हमेशा ट्रू है हमेशा सही रहेगी लॉ मतलब कि अलग अलग सोसाइटी में वो हमेशा यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सो दिस इज हाउ यू कैन करेक्ट द यू कैन से थीसिस एंड द थ्योरी ओके एंड ट्रस्ट मी वेन आई से थ्योरी लॉ दे आर वेरी इजी अब सपोज नेचुरल साइंस मेथोडोलॉजी में अगर आप बात करें नेचुरल साइंस मैथडोलॉजी में जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ऑल दो थिंग्स बायोलॉजी तो यहाँ पे हम लोग जनरली लॉ लेकर आते हैं आप देखेंगे यहाँ पे हमारे लॉज होते हैं जैसे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन ये हमेशा ट्रू है आप अर्थ सर्फेस में कहीं भी चले जाइए यह हमेशा ट्रू होगा इट रिस्पेक्टिव ऑफ अमेरिका में है आप अफ्रीका में हैं आप इंडिया में कहीं भी हैं ये हमेशा ट्रू रहेगा ठीक है जैसे कि अगर केमिस्ट्री की बात करें जैसे भी फिजिक्स की बात थी ठीक है अब अगर आप केमिस्ट्री की बात करें देखिए नाइट्रोजन जब भी हाइड्रोजन से मिक्स होगा वो हमेशा अमोनिया गैस ही बनाएगा ठीक है प्रोवाइडेड कोई अलग से कैटलिस्ट नहीं है इन्वायरमेंटल कंडीशन सराउंडिंग कंडीशन सेम है तो हमेशा नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया गैस ही बनाएंगे तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है तो ये नेचुरल साइंस हो गया ठीक है लेकिन जब हम लोग सोशोलॉजी की बात करेंगे सोशोलॉजी तो में इट इज यू नो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अराइव एट लॉ लॉ लाइक जनरलाइजेशन हम लोग नहीं ला पाते क्यों बिकॉज एज अ रिसर्चर आई एम एंड आई एम स्टडी ह्यूमन ओके सो वेन वी स्टडी ह्यूमन ह्यूम विच रिएक्ट मीनिंगफुली टू एक्सटर्नल स्टिमलाइ किसी आप ह्यूमन बिहेवियर को पैटर्न नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि सपोज आज इस सिचुएशन में मैं गुस्सा हूं तो कल भी इस सिचुएशन में गुस्सा रहूंगा प्रॉब्लली ये हो सकता है कि कल मैं और ज्यादा गुस्सा हो जाऊं ठीक है कल क्या पता हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा काम रहूं तो दे आर इंटरनल मीनिंग्स एंड मोटिव ड्राइविंग माई एक्शन एंड एवरी पर्सन इज यूनिक इन ओन वे हर आदमी हर इंसान अपने में अलग है ओके सो दीज पीपल मैन यू टॉक अबाउट द सोशल फिन ह्यूमन विच रिएक्ट मीनिंगफुली टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एक्सटर्नल स्टिमुलाइ तो ह्यूमन बिहेवियर के लिए हम लोग कोई लॉ नहीं ला सकते बिकॉज इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल वी कैन नॉट गिव कि ह्यूमन हमेशा यू नो पैटर्न वे में ही बिहेव करेंगे राइट सो दिस इज वॉट यू कैन टॉक अबाउट देन थ्योरी एंड देन वी हैव अ लॉ ओके नेक्स्ट इज सिमिलिटीज बिटवीन थ्योरी एंड फैक्ट अब देखिए मैंने आपको थीसिस भी बता दिया मैंने आपको थ्योरी भी बता दिया लॉ भी बता दिया अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्योरी एंड फैक्ट एंड ट्रस्ट मी अगेन इट्स वेरी इजी फर्स्ट थिंग है इसमें देखिए मैं आपको कुछ फोटो पॉइंट्स देता हूँ आर के मर्टन वेरी नाउ सोशोलॉजिस्ट ही टॉकड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड फैक्ट एंड ही टॉक्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड फैक्ट अपने बहुत ही फेमस यू नो एस में और नेम ऑफ द एस ए बियरिंग ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी एंड एम्पेरिकल रिसर्च ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यू नो ऐसे uh, था जहां पे आरके के मर्टन ने थ्योरी एंड फैक्ट के बारे में रिलेशनशिप डिस्कस किया अब आप ये एज इट इज कोट कर सकते हैं आर के मर्टन इन एसे द ऑफ दोशियोलॉजिकल थी आप एज इट इज कोट कर सकते हैं इट विल गिव यू लॉट ऑफ एज अब देखिए पहला क्या है एग्जिस्टिंग थ्योरीज ओके सपोज कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है इट इज अ सोर्स फॉर हाइपोथिस फॉमलेन एंड देन इट्स गाइड्स फर्दर रिसर्च रिजल्टिंग इन डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स अब सपोज आपके पास कोई भी थ्योरी है सपोज मैं आपको बोलूं कि एमिल डरखिम ने ही जैसे कि थ्योरी ऑफ सुसाइड बनाया था ठीक है जहां पर उन्होंने बोला था कि द रेट ऑफ सुसाइड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ सॉलिडारिटी अगर सॉलिडारिटी बढ़ेगी तो सुसाइड रेट यू नो कम हो जाएगा अगर सॉलिडारिटी कम होगी तो सोलिडेड बढ़ जाएगा तो उन्होंने जो भी डेटा लिया था ठीक है जो भी डेटा लिया था उसी डेटा को यूज करके अ डिफरेंट स्कॉलर नेम मॉरिस हॉलबॉच ही केम टू द डिफरेंट कॉन्क्लूजन वही डेटा यूज करके वो डिफरेंट कॉन्क्लूजन बनाया क्योंकि जब उन्होंने देख लिया कि ये हमारा थ्योरी बनी है तो देखिए उन्होंने इस हाइपोथिस ओके okay, कोई भी थ्योरी बनाए तो उन्होंने इस डेटा के बेसिस पे उन्होंने कोई दूसरा हाइपोथेसिस बनाया और उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और जो डेटा उन्होंने यूज किया था एम एल डेरकिंग का वही डेटा यूज किया और अपने हाइपोथेसिस को उन्होंने वेरीफाई कर दिया अब उनका जो हाइपोथिसिस था वो था कि रेट ऑफ सुसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी Which मीन्स कि अगर हमारी सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी तो सोसाइटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हमारी जो सोसाइटी है बहुत ही नॉर्मल है बहुत ही सिंपल वे ऑफ लिविंग है लोग आपस में घुल मिल रहे हैं बात कर रहे हैं उसी की हेल्प कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स पूरा सोसाइटी नहीं है ठीक है तो क्या होगा रेट ऑफ सोसाइड गिर जाएगा सो दिस इज वॉय बिकॉज हम लोग बोल कि एक्जिस्टिंग थ्योरी ऑलरेडी थी सपोज एम एल की सोर्स फॉर हाइपोथिस फॉर्मलेन अब इन्होंने ही मॉरिस हॉलबर्स ने इस थ्योरी के बेसिस पे जो भी उन्होंने एम एल डेरिम डेटा लिया था उन्होंने ही एक नया हाइपोथेसिस बनाया वो हाइपोथेसिस ये था और एमिल डर्किंग को को डेटा यूज करके उन्होंने उन्होंने अपने हाइपोथेसिस प्रूव कर दिया तो नई थ्योरी बना दी अगर थ्योरी वन है ये तो मॉरिस हॉलबर्स ने दूसरी थ्योरी बना दी ओके सो दिस इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट एंड यू कैन से कि भाई डेटा सेम सेट ऑफ डेटा से आप कैसे दूसरी दूसरी थ्योरीज बना सकते हैं ओके सो दैट इज यू कैन से थ्योरी एंड फैक्ट में रिलेशन दिखा रहा है नेक्स्ट है हमारा

फॉर कंपेरेटिव एनालिसिस मैं आपको बताता हूं कैसे कंपेरेटिव एनालिसिस और इट कैन एक्ट एज ए कंपेरेटिव टूल अब सपोज मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कोई भी यू uh, नो you know, एक थ्योरी है सपोज मैं बोलता हूं कि डेमोक्रेसी ठीक है मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं अब डेमोक्रेसी में अब सपोज मैं बोल रहा हूं कि डेमोक्रेसी के कुछ मैंने पॉइंट्स डाल के रखे हैं कि भाई डेमोक्रेसी में मैं आइडियल डेमोक्रेसी की बात करता हूं आइडियल डेमोक्रेसी विच इज बेसिकली अ काइंड ऑफ यूटोपियन जैसे हम लोग बोलते हैं ना आइडियल स्टूडेंट क्या है तो कोई भी आइडियल स्टूडेंट के बारे में बात नहीं कर सकते जैसे हम लोग बात करते आइडियल मॉडल आंसर यूपीएससी में मॉडल आंसर तो यूपीएससी में आइडियल मॉडल आंसर कुछ नहीं हो सकता मे बी अगर मैं कोई आइडियल मॉडल आंसर बना रहा हूँ तो आप शायद उससे अच्छा लिख सकते हो तो नो आइडियल इट्स अ काइंड ऑफ ठीक है अब सपोज में डेमोक्रेसी की बात करता हूँ आइडिया यू नो आइडियल डेमोक्रेसी की बात करता हूं idea, you know, बात करता। इसके मैंने तीन चार पॉइंट्स बना लिए सपोज सबके पास वोटिंग पावर होनी चाहिए इक्वल वोट इक्वल वोट मतलब सबके वोटिंग इक्वल वोट सबके वोट की जो वैल्यू है एक होनी चाहिए चाहे वो रिच क्लास का हो चाहे लोअर क्लास का हो चाहे अपर कास्ट हो चाहे हायर कास्ट सबका होना चाहिए ठीक है ट्रू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मैं आपको बस पॉइंट्स बता रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए ठीक है अब मैंने एक आइडियल डेमोक्रेसी बना ली है और इसके पैरामीटर्स मैंने डिफाइन कर लिए अब सपोज अगर मैं दूसरे सोसाइटी में अलग अलग सोसाइटी में जाता हूं सोसाइटी वन सोसाइटी टू थ्री फोर और मैं आइडियल डेमोक्रेसी के जो पैरामीटर है हल्की सोसाइटी में कंपेयर कर सकता हूं तो मैं बता सकता हूं कि सपोज आइडियल अगर ये है हमारा तो कितना डिविएशन चल रहा है कितना डिविएशन सपोज सोसाइटी वन में ये है डेमोक्रेसिक वैल्यू सोसाइटी टू में ये है सोसाइटी थ्री में ये है सोसाइटी फोर ये है तो आइडियल से कितना डिविएशन हो रहा है ओके okay, कितना डिविएशन हो रहा है तो क्रॉस ये कहते हैं ना कंपेरिटिव एनालिसिस फॉर क्रॉस कल्चरल स्टडी ठीक है क्योंकि हम लोग जब थ्योरी की बात करते हैं हम लोग थ्योरी बना लिए हैं हम लोगों ने बता दिया भाई फैक्ट आपस में कैसे रिलेटेड हैं ठीक है थेके? कि अगर वोटिंग पावर बहुत स्ट्रांग है तो आइडल डेमोक्रेसी है या इक्वल राइट्स इक्वल वोट है सबके वोट की पावर एक है तो आइडल डेमोक्रेसी है तो अगर हम लोग ने एक ऐसा एक आइडियल मॉडल बना लिया फिर हम लोग सोसाइटी में जाकर कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमने आइडियल ब्यूरोसी बना लिया अब अगर हमने आइडियल ब्यूरोसी बना लिया है एक मॉडल बना लिया है तो इसको हम लोग अलग अलग सोसाइटी में जाके कंपेयर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ब्यूरोसी का क्या हाल है आइडिया idea से आइडियल वैल्यू से कितना डिवेट कर रहा है तो क्रॉस यू नो क्रॉस कल्चरल स्टडी कंपेरेटिव एनालिसिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है ठीक है लास्ट पार्ट क्या है हमारा कि थ्योरी स्टेब्लिशेज अ रैशनल लिंक बिटवीन टू और मोर फैक्ट्स दस टूल फॉर प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल अब देखिए प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल कैसे करता है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल कैसे करता है सपोज मैं बोलूँ कि ओवरऑल यू कैन से ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज डैटिलेटेड टू द फीमेल एजुकेशन ठीक है या फिर एम्पावरमेंट ऑफ एस सीज एंड एस टीज डेटिलेटेड टू देयर लिटरेसी रेट देयर लिटरेसी रेट तो अगर हमको इंपॉवरमेंट करना है लोअर कास्ट को तो हमको उनकी लिटरेसी उनको पढ़ाना है ठीक है उनको क्वालिटी एजुकेशन देना है देन ओनली इट विल लीड टू ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट अब अगर हमें ओवरऑल और डेवलपमेंट जैसे ये हाइपोथेसिस वन गई सपोज ये टू हो गई अब अगर हमें फीमेल एजुकेशन लोग दे रहे हैं तो ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होगा तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ओवरऑल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा या इंपॉर्वरमेंट ऑफ एस सी क्यों नहीं हो रहा क्योंकि क्योंकि क्यों, 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 उनके पास एजुकेशन नहीं है वेमेन का एजुकेशन नहीं तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं चीजों को ठीक है सो दिस इज ओवरऑल यू कैन टॉक अब द रिलेशनशिप और सिमिलेरिटीज यू कैन सी बिटवीन द थ्योरी एंड द फैक्ट ठीक है नेक्स्ट क्या है डिफरेंसिस बिटवीन थ्योरी एंड फैक्ट अब देखते हैं डिफरेंसेज में हमारा क्या है देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल चीज है जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में कैसे रिलेशनशिप है क्या सिमिलैरिटीज है वो चेक किया था यहां पे हम लोग चेक करेंगे डिफरेंसेस अब डिफरेंसेस में देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है द फैक्ट आर एम्पेरिकली वेरीफाइबल फिनमना ठीक है एम्पेरिकली वेरीफाइबल फिनोमना जब लोग बोले एम्पेरिकली वेरीफाइबल फिनमना इट मींस व्हाट कि अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमेशा आपको वही सेम चीज दिख रही है अगर ट्री है तो वहां पे ट्री है अगर ये पेन डार्क ब्लैक कलर तो ब्लैक कलर है ठीक है तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से यू कैन वेरीफाई द फैक्ट ठीक है थ्योरी क्या है इट इज सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट ठीक है ये मेरे आपका डेफिनेशन का पार्ट हो गया नेक्स्ट क्या है फैक्ट कैन नॉट बी थ्योरी इन इट ओके फैक्ट कैन नॉट बी थ्योरी इन बिकॉज फैक्ट क्या है फैक्ट एक काइंड ऑफ आइसोलेटेड फिनोमना है ठीक है वो कोई रिलेशनशिप नहीं बताता फैक्ट एक आइसोलेटेड फिनोमना है जो कि है वहां पर जिसको वेरिफिकेशन की जरूरत है अगर आप वेरीफाई करते भी है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन तो वहां पर रहेगा आपको हमेशा एक ही चीज दिखेगी तो इट इज काइंड ऑफ एन आइसोलेटेड फिनोमना ठीक है थ्योरी इज वॉट थ्योरी रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट एक्टली जो हमने first को उसको एक्सटेंड कर दिया है ठीक है फैक्ट ओके नेक्स्ट हमारा क्या है फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन आर यूज्ड इन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हम लोग हाइपोथेसिस कैसे दो वेरिएबल्स रिलेटेड uh, है तो हम लोग पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं फिर फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन आर यूज इन हाइपोथेसिस फॉर्मलेन विच इफ रिपीटेडली प्रूफ बिकम्स अ थ्योरी ठीक है इट बिकम्स अ थ्योरी अगर लोग बार बार उसको रिपीट कर प्रूव कर देंगे तो थ्योरी बन जाती है एक बार अगर उसको वेरीफाई करते तो थीसिस बन जाती है और बार बार करते तो थ्योरी बन जाती है मैंने आपको बता रखा है थ्योरी इफ प्रूव एंड रिपीटेडली एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल बिकम्स अ लॉ तो अगर देखिए फैक्ट को हम लोग ने अभी थ्योरी से कनेक्ट किया यहां पे हमने थ्योरी को लॉ से कनेक्ट कर दिया है ठीक है अगर रिपीटेडली प्रूव हो रहा है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है जैसे दर, का थ्योरी ऑफ सुसाइड अगर यूनिवर्सली हर हाँ सोसाइटी में हर सिचुएशन में अगर वो एप्लीकेबल है तो इट बिकम्स अ लॉ ठीक है लेकिन ऐसा है नहीं दैट्स वाई वी से थ्योरी ऑफ सुसाइड वी डोंट से लॉ ऑफ सुसाइड ओके सो दिस इज आई थिंक क्वाइट इजी और ये सब जो बात मैंने भी आपको बोली है सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज थोड़े से डिफरेंट थे लेकिन जो तो डिफरेंसेस है वो ऑटोमेटिकली मैंने आपको पहले बता रखे हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है रिलेशनशिप ठीक है अब देखिए मैं आपको ना फैक्ट्स उसके बाद फिर यू नो रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स देन यू कैन से यू नो थ्योरी एंड ऑल दोस थिंग्स लॉ अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे अब देखिए फैक्ट्स क्या है फैक्ट्स बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो कि यू नो यू कैन एम्पेरिकली वेरीफाई दे स्पीक फॉर देमसेल्व ठीक है सो अब हम लोग जब डेटा कलेक्ट करते हैं ठीक है डेटा कलेक्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर हाइपोथिस को हम लोग को वेरीफाई करना है रिजेक्ट करना है तो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं डेटा आर वॉट फैक्ट्स ठीक है जब लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो इट लीड्स साइंटिस्ट टू डेवलप एन हाइपोथेसिस ठीक है इट लीड डेवलप एन हाइपोथेसिस विच अगर अब सपोज हमने हाइपोथेसिस बना दी ठीक है अब हमारे पास ऑलरेडी सपोज हमारे पास ऑलरेडी कुछ डेटा पड़ा हुआ आप इसको दूसरे तरीके से ले सकते हैं सपोज हमारे पास बहुत डेटा पड़ा हुआ हम है हमने एक पैटर्न देख लिया कि भाई क्राइम रेट बढ़ रहा है तो लिटरेसी रेट गिर रहा है तो हमारे पास ऑलरेडी एक फैक्ट्स पड़े हुए हैं आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं एंड इट लीस्ट टू कि भाई ये मेरे पास डेटा है और डेटा में एक पैटर्न देख रहा हूँ एक, एक, कि अगर क्राइम रेट बढ़ रहा है तो हमारा इट मीन कि लिटरेसी रेट गिर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई, क्राइम रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिटरेसी लिटरेसी रेट हमने एक हाइपोथिस बना ली ठीक है फैक्टर बना ली एंड इट इज सपोर्टेड बाई एक्सपेरिमेंट ठीक है हम लोग सपोज एक्सपेरिमेंट करके हमने में प्रॉपर्स को प्लग इन कर लिया हाइपोथेसिस पे सारे डेटा प्लग इन कर लिए अगर हमारा हाइपोथेसिस वेरीफाई हो जाता तो क्या बन जाएगा ये इट विल बिकम अ काइंड ऑफ अ थ्योरी ठीक है हम लोग इसको रिपीटेडली वेरीफाई करते जा रहे हैं और वेन इवेंचुअली प्रूव इन मेनी टाइम्स ठीक है इट बिकम्स अ थ्योरी एंड देन इफ इट बिकम्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल इट बिकम्स अ लॉ ठीक है फैक्ट कैन बिकम कैन लीड टू हाइपोथिस जनरेशन हाइपोथिस जनरेशन कैन लीड टू थ्योरी फॉर्मलेन एंड थ्योरी फॉर्मलेन इट बिकम्स रिपीटली प्रूव एन एंड यूनिवर्सली एप्लीकेबल दैट इट बिकम्स अ लॉ ओके सो आई थिंक दिस वॉज क्वाइट ईजी ये मैंने एक्चुअली आपको पहले भी बता रखा था जब मैंने थ्योरी में थ्योरी स्लाइड में जब मैंने आपको डेफिनेशन ऑप्शन बता रखी थी राइट सो दिस इज क्वाइट ईजी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैल्यूज अब वैल्यूज क्या होते हैं देखिए वैल्यूज अगर देखा जाए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वैल्यू का अगर मुझे डिफाइन करना हो तो आई एल सिंपली से दैट वैल्यूज आर नथिंग बट दे आर सोशली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजायरेबिलिटी एंड अनडिजायरेबिलिटी सो आई जस्ट राइट इट डाउन वैल्यूज आर नथिंग बट दे आर सोशली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिजायरेबिलिटी एंड अनडिजायरबिलिटी कि क्या समाज में अच्छा है क्या गलत है जैसे कि एग्जाम्पल बोले कि ट्रुथफुलनेस इज करेक्ट ओके करेज होना चाहिए ऑनेस्ट होना चाहिए ऑनेस्टी ये सब सही है ठीक है स्टीलिंग इज रॉन्ग लाइंग इज रॉन्ग ठीक है नेवर लाई ये सब गलत वैल्यूज है ठीक है तो हम लोग इसको अलग सिंपल लैंग्वेज और बता सकते हैं कि वैल्यूज आर नथिंग दे आर प्रिंसिपल्स बिलीव्ड बाई इंडिविजुअल्स ठीक है दे आर प्रिंसिपल्स बिलीव्ड बाई इंडिव्यूजुअल एंड इट टेस्ट द वैल्यूज एक्चुअली टेस्ट द इंडिव्यूजल वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग ओके एंड यू नो वैल्यूज चेंज फ्रॉम और यू कैन से डिफर फ्रॉम इंडिव्यूजुअल टू इंडिव्यूजुअल सो वैल्यूज आर बेसिकली प्रिंसिपल्स Believed by individuals, okay, they tell what is right, what is wrong, and they differ from individual to individual. और कैसे सोसाइटी और सोसाइटी डिफर करते हैं अब अगर मुझे इसको और भी सिंपल एग्वेज बताना है तो वैल्यूज बेसिकली आर वॉट वैल्यूज आर बेसिकली वॉट दे आर प्रिफरें ओके दे आर नॉट एब्सल्यूट एंड दे टॉक अबाउट वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग प्रिफरेंसिस बेसिकली सपोज इंडिविजुअल क्या प्रिफर कर रहा है ठीक है अब अगर सपोज मैं इंडिया में हूँ एंड प्रोबली आई हैव दिस वैल्यू कि भाई मुझे मेहनत करके बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक गेन करना है तो मैं सिर्फ मेहनत करके एक ही बहुत ही लीगल तरीके में अच्छे से मेहनत करके मैं फेम एंड एडुलेशन पा सकता हूँ तो दैट इज़ माई वैल्यू ठीक है लेकिन दूसरा जो पर्सन है मे बी उसके वो ये वैल्यू शेयर ना करे वो बस ये मानता हो कि मुझे मटेलिस्टिक गेन लेना है चाहे कोई भी पाथ हो चाहे लीगल पाथ हो चाहे इन पाथ हो ठीक है इट इज नॉट एब्सोल्यूट वाई बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सोसाइटी सोसाइटी चेंज होता रहता है एंड इट टेस्ट क्या सही है क्या गलत है ठीक है सो यू कैन टॉक अबाउट दिस थिंग्स एज वेल ठीक है सो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपको बता दें कि वैल्यू क्या है एंड इट इज समथिंग यू कैन से यू नो वर्थ हैविंग फॉर एंड वर्थ फाइटिंग फॉर राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज अब देखिए सोर्सेज भी बहुत सिंपल है वैल्यूज के आई रिमूव एवरीथिंग सोर्सेज में अगर मैं बात करूं तो पहला सोर्स यू कैन टॉक अबाउट सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन में भी आकर बात करेंगे तो प्राइमरी सोशलाइजेशन थ्रू फैमिली ठीक है प्राइमरी सोशलाइजेशन थ्रू फैमिली जैसे कि फैमिली अपने वैल्यूज बताती है कि भाई हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए ठीक है कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए हमेशा सच बोलना चाहिए कभी यू uh, नो you know, uh, यू कैन से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए ये सब हमारे वैल्यूज हैं ठीक है थीके? तो फैमिलने बच्चे जो स्टार्टिंग से दूसरा क्या है एजुकेशन पे सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमें सक्सेसफुल बनना है हमें स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना है सबसे अच्छा बिहेव करना है ठीक है हमें हमेशा यू नो एक्सिलेंट मार्क्स लाने हैं और यू नो मटेरियलिस्टिक गेन करना है सक्सेस की वो अपनी डेफिनेशन देते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है ऑल थिंग्स ठीक है और तीसरी चीज क्या हमारे अपने एक्सपीरियंस भी क्या होते हैं एक्सपीरियंस भी आपके वैल्यूज को शेप करते हैं ठीक okay, है अब सपोज यू हैव बीन गोइंग थ्रू वेरी रफ टाइम ओके इन द सेंस कि सपोज आपके फाइनेंशियल कंस्टेंट्स बहुत ज्यादा है ना ओके okay, आप बहुत ही गरीब परिवार में हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी यू नॉट गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड देन आपने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है और यू you नो know, सब लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं एवरीबडीज ट्राइंग टू एक्सप्लोइट यू तो आप क्या करेंगे कि आपको बस गेन मतलब मटेरियलिटी गेन करना है तो आप कोई भी इन लीगल बेसिकली यू नो अपनाएंगे ठीक है सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस क्यों क्योंकि अगर आप लीगल वेज ले भी रहे हैं तो स्टिल द सोसाइटी इज नॉट यू नो गिविंग योर फेयर चांस ओके नॉट गिविंग योर फेयर चांस टू राइज अप इन अ सोशल मोबिलिटी लैडर तो इससे आप चीजों को बता सकते हैं बहुत ही सिंपल ये नेक्स्ट क्या है मोर अबाउट वैल्यूज लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस अब अगर मुझे सिग्निफिकेंस के बारे में बात करना हो वैल्यूज में तो आई से कि यू नो वैल्यूज प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव विच आर इंपॉर्टेंट इन सोशियोलॉजी अब देखिए आपका अगर, अगर आपका पर्सपेक्टिव कुछ है ना तो पर्सपेक्टिव के बेसिस तो आप रिसर्च कर सकते हैं सो so, पहला क्या है वैल्यूज प्रोवाइड पर्सपेक्टिव च आर इंपॉर्टेंट फॉर सोशोलॉजल रिसर्च अब इसको समझिए बहुत ही इजी से, जैसे कार्ल मार्क्स था ठीक है कार्ल मार्क्स, यू नो ही हेल्प्ड इन डेवलपिंग अ काइंड ऑफ अ न्यू परसपेक्टिव इन सोशोलॉजी उनके वैल्यूज ऐसे थे सपोज कार्ल मार्क्स, हम लोग अगर बोलते हैं कि ही वॉज वेरी एम्पेथेटिक वॉज वेरी एम्पेथेटिक टूवर्ड्स द पुअर पीपल तो एग्जाम्पल आप यहां पे लिख सकते हैं कार्ल मार्क्स हैड टू मच एम्पेथी टुअर्ड्स पुअर पीपल ठीक है तो उनकी जो वैल्यू थी एम्पेथी बिकॉज वो पुअर लोग को इतना सफर करते हुए रहे थे तो सोच रहे थे कि पुअर लोग इतना सफर क्यों कर रहे हैं हम लोग दो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग यूनिट फोर की बात आया उस पार्ट पे आएंगे तो वन ही वॉज लुकिंग द पुअर पीपल सफरिंग सो मच तो ही हैड वेरी डेवलप वेरी एम्पेटिक एटीट्यूड टुअर्ड्स द पुअर पीपल तो उन्होंने एक नया परस्पेक्टिव बना दिया सोशलॉजी में ठीक है उनके वैल्यू से ड्रिवेन एक नया पर्सपेक्टिव बना दिया ठीक है सो नया पर्सपेक्टिव जो उन्होंने बनाया न्यू पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी कि जो पुअर पीपल है ओके okay, और जो पॉवर्टी है इट इज नॉट नेचुरल द पुअर पीपल आर नॉट सफरिंग बिकॉज़ ऑफ नेचुरल कॉसेस दिस पॉवर्टी और द सफरिंग्स ये जो है ये मैन मेड है जिसमें सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइडेड है एक तो बुरजवाजी क्लास और एक प्रोलेतारियत क्लास डोंट वरी अबाउट दिस वर्ड्स दे नो मैं में बहुत ज्यादा डिटेल में यूनिट फोर में बताऊंगा आपको तो बुरजवाजी क्लास वो है जो कि बिजनेस क्लास इनके पास सब कुछ है दे हैव लैंड लेबर कैपिटल प्रोलेतारियत क्या सिर्फ अपना काम करते हैं इंडस्ट्रीज में जाके तो इंडस्ट्री भी बुरजवाजी की है वहाँ की मशीन भी बुरजवाजी की है उनका पैसा ही है राइट प्लस जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को भी ओन बुरजवाजी क्लास या बिजनेस क्लास ही करते हैं पोले सिर्फ अपना लेबर देते हैं और लेजर के लेबर के एवरेज में उनको सिर्फ कुछ पैसे मिलते हैं ठीक है सो इन प्रोलेतारियत तो ये बुर्जुआज़ी है क्लास जो कि एक्सप्लोय कर रहा है क्लास को. Okay? Only only तो इस पे इन्होंने जो नया पर्सपेक्टिव इन्होंने बनाया वो पर्सपेक्टिव था बेसिकली पर्सपेक्टिव अपने वैल्यू के बेसिस पे उन्होंने पर्सपेक्टिव बना दिया और बताया कि सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट है सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना और किसी भी हद तक एक्सप्ल कर सकते हैं खड़ा कर दिया सोशोलॉजी में ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपार्ट फ्रॉम दिस दिस इज फर्स्ट सेकेंड पॉइंट हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज की बात कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट हम लोग बता सकते हैं कि इट ब्रॉड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ओके इट ब्रॉडन्स द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी बिकॉज सपोज हम लोग वैल्यूज़ uh, की बात करें जैसे फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव है ठीक है तो फेमिनिस्ट भी आप सपोज़ फैमनिज सिर्फ वेमेंस के बारे में बात करती हैं ठीक है वेमेंस का कैसा एक्सप्लाटेशन हो रहा है ठीक है या फिर हम लोग कॉलमार्क्स की बात कर सकते हैं कि कालमार्क्स को कैसे बोल रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली uh, कन्फ्लिक्टस्पेक्टिव बना हुआ है और कैसे पुअर क्लास का एक्सप्लॉर्टेशन हो रहा है अब सपोज मैं बैंक बोलूँ कि ब्रॉडन्स द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी आप इसको इस टाइप ऐसे भी समझ सकते हैं सोशोलॉजी इसी से मैं रिलेट करता हूं सपोज पहले तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव था ठीक है फंक्शनलिस्ट पैराडाइम या फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं तो वो बोलते थे कि हर चीज सोसाइटी में कोई ना कोई पॉजिटिव फंक्शन प्ले करता है जैसे कि रिलीजन रिलीजन का कोई ना कोई पॉजिटिव फंक्शन है लेकिन कार्ल मार्क्स ने पर्सपेक्टिव दिया तो उन्होंने बोला जैसे कार्ल मार्क्स उन्होंने बोला कि रिलीजन का नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी है नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी है ठीक है इट एक्ट एज अ काइंड ऑफ ओपियम ऑफ मास रिलीजन एक्ट एज एन ओपियम ऑफ मास ठीक है जैसे कि कितना भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ठीक है रिलीजन उनकी एक्सप्लॉयटेशन के पेन को कम कर देता है ओपियम मतलब जैसे हम लोग कोई पेन पेनकिलर ले नहीं लेते तो आपके पेन को कम कर देता पर उस पेन का जर्सिलार्ज नहीं करता बस आपका पेन uh, you know, को सूदिंग इतना बना देते कि आप उसको सहन कर पाओ या उसको पेन को खत्म कर देते पर उसको जड़ से उसको खत्म नहीं करता प्रॉब्लम मेन कॉज ऑफ द मेन कॉज को डील नहीं करता वो तो इसी तरह इट इज एन ओपियम ऑफ मार्च जो एक्सप्लाटेशन एक्सप्लाटेशन को सहने की ताकत रिलीजन दे देता है ठीक है तो दिज ए काइंड ऑफ फॉल्ल्स कॉन्शियसनेस गरीब लोग को लगता है कि जो भी सोसाइटी में हो रहा है वो ठीक है अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं ठीक है तो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस में वो जीते रहते हैं सो दिस इज वॉट यू कैन से डॉटिंग पहले हमारा फंक्शनिस्ट परस्पेक्टिव था उसको ब्रॉड करके एक अलग पर्सपेक्टिव लाकर खड़ा कर दिया दैट इज पर्सपेक्टिव बाई द कार्ल मार्क्स ओके थर्ड हमारा अगर मुझे बोलना चाहूं कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ यू नो सॉरी सिग्निफिकेंस सिग्निफिकोशलॉजी तो मैं बोलूंगा कि यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि इट गिव्स लॉट ऑफ वैलिडिटी टू योर डेटा अब सपोज कास्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूं यहां पे ना बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ वैलिडिटी ऑफ डेटा होती है वैलिडिटी के बारे में हम लोग अगेन बहुत सारे डिटेल में कवर करेंगे यूनिट थ्री में तो वैलिडिटी वैलिडी मैं आपको बस जल्दी बता दूं कि जो आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं आप रियलिटी में उस, उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ठीक है जैसे क्राइम के बारे में डेटा कलेक्ट करना चाहते क्राइम के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और रिच डेटा कलेक्ट कर रहे हैं सपोज आप कास्ट सिस्टम की बात करते हैं अब कास्ट सिस्टम एट्रोसिटीज अगर मैं बोलूं दलित्स अगेंस्ट एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित तो सिर्फ आपने इंसिडेंसेस की कि कितने केसेस हुए ऑफ एट्रोसिटीज ये तो आपने कलेक्ट किया ही है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग अगर आपको हाई वैलिडिटी रखनी है तो क्या करेंगे आप आप जाके दलित से पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या रहा क्यों होता है ये चीज ओके तो अगर आप अपने डेटा में ये भी आंसर कर पा रहे हैं कि कितने इंसिडेंसेस है प्लस क्यों हो रहा है वाई पार्ट व्हाट आर द रियल रीजंस ओके और वो कैसा फील करते हैं दलित जिनके अगेंस्ट एट्रोसिटी वो कैसा फील करते हैं तो आपका जो डेटा होगा ना सब्जेक्टिव डेटा होगा ठीक है कोई ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाइड उसमें नहीं होगा जैसे हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स में ना सिर्फ टिक मारते हैं वैसा डेटा नहीं है आपके पास एक प्रॉपर रिच डेटा जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस में हम लोग एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो प्रॉपर सब्जेक्टिव डेटा है ठीक है प्लस दलित का अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहा है कि ऐसा ऐसा हम लोग फील करते हैं हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये ये रीज़न्स हैं तो आपका जो प्रॉपर जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो बहुत ही रिच और क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट हुआ है ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा क्वालिटेटिव डेटा सो इन दैट सेंस यू कैन से दैलिडिटी वेरी मच हाई बिकॉज दलित अपने वैल्यूज़ जो भी वो अंदर फील करता है, जो भी उसको लगता है वो अपने वैल्यूज क्रीपिन करके उसमें बता रहा है ठीक है तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ टिक मार रहा है सो वैलिडिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रहती है नॉट दीज आर द यू कैन से टॉक अबाउट यू नो सिग्निफिकेंस यू कैन टॉक अबाउट विथ रेस्पेक्ट टू दू नो सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज ल रिमूव एवरी थिंग नाउ वट अबर द ड्रॉबैक्स अब अगर ड्रॉबैक्स में देखें देखिए सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बताता हूँ अगर वैलडिटी हाई है ओके वैलिडिटी हाई है तो आप ऐसा डेटा जो कि क्वालिटेटिव डेटा है उसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं ठीक है क्वालिटेटिव डेटा तो उसको रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से जरूरी नहीं है डेटा फिर से वही सेम आए तो यहां पर रिलायबिलिटी कम हो जाती है रिलायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी इसका सेंस आप भी अभी बता सकते हैं कि सपोज रिलायबिलिटी मतलब कि अगर मैं एज़ अ रिसर्चर किसी दलित कम्युनिटी में गया उन्होंने जो भी बताया उन्होंने जो भी डेटा दिया उस डेटा को मैं मैंने कैसे इंटरप्रेट किया मैंने अपना पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर दिया अब सपोज दूसरा रिसर्चर गया उन्होंने कैसे डेटा कलेक्ट किया ठीक है रिस डेटा कलेक्ट किया उन्होंने पर रिसर्चर ने क्या इंटरप्रेट करके बोला तो वहाँ पर आप रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं कर पाएंगे रिसर्च की फाइंडिंग को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे बार बार तो रिलायबिलिटी वहाँ पर कम हो जाती है ठीक है एक तो ये हमारा सबसे मेजर ड्रॉबैक है दूसरा क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी इज़ मिस्ड ऑब्जेक्टिविटी इज मिस्ड क्यों क्योंकि सपोज मैं एक रिसर्चर हूं मैं कोई भी पर्सपेक्टिव पढ़ रहा हूं कोई भी सोशल फिनमिलो को पढ़ रहा हूं तो अगर मेरे वैल्यूज क्रीपिन हो गए सोसाइटी रिसर्च में तो क्या होगा कि ऑब्जेक्टिविटी मिस हो जाएगी इन द सेंस ऑब्जेक्टिविटी इज मिस्ड अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं सपोज मैं बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से आ रहा हूँ एंड आई हैव दिस जनरल नोशन कि लोग पुअर हैं इसलिए वाई बिकॉज दे आर यू नो वेरी मच लेजी इंडोलेंट हैं वो लोग ठीक है तो अगर मैंने हाइपोथेसिस पहले से बना के रखी है मेरे मन में एक परसेप्शन है ऑलरेडी पुअर पीपल वाई बिकॉज दे आर लेजी ओके तो यहां पे ऑब्जेक्टिविटी ऑलरेडी हमारी मिस हो चुकी है क्यों क्योंकि मैंने एक कैटेगराइजेशन ऑलरेडी कर लिया है मैंने मान लिया है तो शायद कोई भी डेटा आएगा मैं हमेशा उसको इसी से जोड़ के देखूंगा कि नहीं ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग लेजी है ठीक है अब इसमें आप इसमें और भी चीज बता सकते हैं सपोज मैं पहली भी आई थिंक एग्जाम्पल दे चुका हूं टेपोर्लान विलेज का जिसको स्टडी किया था रॉबर्ट रेटफिल ने एंड ऑस्कर लुइस ने टेपोटान विलेज इन मेक्सिको और रॉबर्ट लुइस मार्क्सिस्ट थे एंड ही वाज़ फंक्शनलिस्ट ठीक है अब सपोज इनके पर्सपेक्टिव इनके जहन में ऑलरेडी प्री कंसिप्ड नोशन है फंक्शनिस्ट पैराडाइम है मार्क्सिस्ट पैराडाइम है तो जब इन्होंने विलेज को किया स्टडी तो रॉबर्ट एडफिट के लिए टेपोर्टान विलेज बहुत ही ज्यादा शांत सोसाइटी थी सब लोग आपस में मिलकर रह रहे थे लेकिन ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑस्कर लुइस के लिए टेपोस्लान विलेज बहुत ज्यादा कंफ्लिक सोसाइटी थी उनको लगता है कि हर जगह आपस में पूरी सोसाइटी गुटों में टूटी हुई है और आपस में बहुत ज्यादा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट है तो आप देखिए कैसे ऑब्जेक्टिविटी मिस हो रही है जो एक्चुअली में है विलेज कैसे होना चाहिए वैसा नहीं बता रहे अपने अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू बता रहे हैं क्यों क्योंकि उनके वैल्यूज क्रीपिन हो गए हैं यू नो रिसर्च में ठीक है सो ये आप बता सकते हैं प्लस यू नो थ्योरी फॉर्मलेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ओके वाई बिकॉज आपके वैल्यूज क्रिपिन हो चुके हैं सब कोई और मैं कोई और थ्योरी दूंगा कोई और दूसरा कोई और थ्योरी देगा तो एक एक यूनिवर्सल थ्योरी नहीं आ पाती है सो अगेन थ्योरी फॉर्मेशन आल्सो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट थ्योरी फॉर्मलेशन बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन बिकॉज ऑफ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ओके आई थिंक दिस वॉज यू नो क्वाइट ईजी और uh, जो मैंने आपको बताया है वैलिडिटी रिलायबिलिटी इस पर हम थोड़ा सा यू नो इट विल बिकम मोर क्लियर वेन वी लुक इन टू द यूनिट थ्री पार्ट यूनिट थ्री में हमारा एक अलग से सब यूनिट है वेरिएबल रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी नाउ मूविंग फॉरवर्ड सम रिलेटेड टर्म्स अब सम रिलेटेड टर्म्स हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्या है वैल्यू बायसनेस ठीक है वैल्यू बायसनेस अब देखिए आपको जो भी मैंने एग्जाम्पल पीछे दिया है ना एग्जाम्पल टेपोर्सलान वाले विलेज वाला ये आप देख सकते हैं या फिर आ, या ये वाला हैं। ये वाला आप वाला एग्जाम्पल ज्यादा बेटर रहेगा सपोज एग्जाम्पल ज्यादा एप्ट रहेगा मैं आगे भी आपको समझाता हूँ वैल्यू बाइसनेस का मतलब क्या है कि सपोज आप ऑलरेडी कोई प्री कंसीव्ड आपके नोशंस हैं प्री कंसीव्ड नोशन हैं आपके या आपका कुछ इमोशंस हैं या आपके कुछ सब्जेक्टिव बायसनेस है तो अगर आपको कुछ प्री कंसीव्ड नोटशंस हैं कुछ इमोशंस हैं सब्जेक्टिव बायसनेस है तो अगर आप कोई भी रिसर्च करते हैं सपोज मैंने आपको पहले बताया पुअर पीपल डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेजीनेस, या आपने एक चीज बना लिया कि भाई अल्कोहलिक लीड्स टू सुसाइड आपका कुछ भी नोशन ऐसे है पहले से ही तो अगर आप फिर इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप डेटा को ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि आपका जो प्रिकन्सिप्टोशन नोशन उसमें झलकेगा उसमें दिखेगा ठीक है भले ही सच्चाई ना हो मे बी बिकॉज पुअर पीपल आर यू नो दे आर पुअर बिकॉज ऑफ वेरियस अदर थिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्ड इन है उनको प्रॉपर सारे यू uh, नो you know, uh, सारी सुविधाएं नहीं मिलती है उनको प्रॉपर उनके गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते तो इसलिए वो पुअर है उनके पास एजुकेशन नहीं है उनके पास स्किल्स नहीं, you know, नहीं, नहीं है उनके पास यू नो गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स उनको नहीं पहुंचते उनके इनकम रेगुलर नहीं है ऑल दोज थिंग्स बट आपके पास अगर प्री कंसिप्टोशन है तो आपके रिसर्च में दिख जाएगा तो आपका रिसर्च जो आउटपुट है वो कंटेमिनेट हो जाएगा ठीक है रिसर्च आउटपुट विल बी कंटेमिनेटेड तो रिसर्च आउटपुट अगर कंटेमिनेट हो जाएगा तो रिसर्च का जो भी आपका फाइंडिंग है वो यूजफुल नहीं रहेगा ओके, सो वैल्यू बायसनेस विल कंटामिनेट, जस्ट मिनट विल कंटामिनेट रिसर्च फाइंडिंग्स क्यों क्योंकि आपके वैल्यू के बेसिस पे आप अपना रिसर्च का फाइंडिंग दिखा रहे हैं ठीक है तो यहां पे जो पॉजिटिविस्ट हैं पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि ऑल द सोशलॉजिकल रिसर्च शुड बी कंप्लीटली वैल्यू फ्री देयर शुड बी कंप्लीट वैल्यू न्यूट्रलिटी ये सब आपको बताऊंगा अभी वैल्यू फ्रीडम का वर्ड है तो टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी पॉजिटिविस्ट बोलते थे कि फॉलो द साइंटिफिक मैथडोलॉजी साइंटिफिक मैथडोलॉजी एज यूज इन नेचुरल साइंस

you have to get rid of your values get rid of your values and it is dependent upon the ability of the researcher it is dependent upon the ability of the researcher that how he is able to separate his value from the professional work to separate his value वैल्यू फ्रॉम हिज और हर रिसर्च वर्क ओके दिस इज क्वाइट इजी वैल्यू बायसनेस और वैल्यू बायसनेस को हटाने के लिए यू कैन से यू हैव टू टॉक अबाउट द वैल्यू फ्रीडम ओके एंड हमेशा अगर आप अपना वैल्यू बाइसनेस हटा देंगे तो आपका रिसर्च बहुत ही ऑब्जेक्टिव मैनर में आपका जो भी रिसर्च का फाइंडिंग बहुत ही ऑब्जेक्टिव मैनर आपको प्रेजेंट कर सकते हैं सो दिस इज वैल्यू बैसनेस एंड वैल्यू फ्रीडम नेक्स्ट है हमारा वैल्यू रेलिवेंस वैल्यू रेलिवेंस देखिए वैल्यू का भी एक यू नो पॉजिटिव है सपोज मैक्स वेबर ने यहां पे बोला था मैं आपको एक बताता हूं मैक्स वेबर ने बोला था कि यू कैन नॉट ओवरकम योर वैल्यूज कंप्लीटली वाइल कंडक्टिंग अ रिसर्च ओके पर्सनल वैल्यूज विल इन एविटेबली एंटर द सोशलॉजिकल रिसर्च दैट यू आर कैरिंग आउट तो ही सेज दैट पर्सनल वैल्यूज इनएविटेबली एंटर दोशोलॉजिकल रिसर्च आप चाहे कुछ भी कर लें आपके जो वैल्यू वो कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली आपके रिसर्च को जरूर इन्फ्लुएंस करेंगे वो ये बोलना चाहते हैं बट ही ऑल्सो सेड दैट वन शुड बी वैल्यू फ्रैंक कि आपके जो भी वैल्यूज है आप खुला बोत बता दीजिए कि भाई मेरे अंदर ये वैल्यूज है मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर अंदर ये ये है है बायसनेस अगर मैं अपर कास्ट में हूँ तो आई हैव अ बायसनेस अगेंस्ट द लोअर कास्ट पीपल तो मुझे खुला बता देना है ठीक है तो जब मैं कास्ट सिस्टम को अगर स्टडी करूंगा देन आई शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ माइंड ऑब्जेक्टिविटी इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ माइंड कि मैं हर चीज को वैसे ही देख रहा हूँ जैसे वो दिख रहा है मैं अपना बायसनेस या अपना अपने इंटरप्रिटेशन नहीं लगा रहा हूँ ठीक है तो वी शुड बी वैल्यू फ्रैंक एंड वैल्यू फ्रैंक के बाद हम लोग सपोज कोई भी रिसर्च करते हैं राइट फ्रॉम पॉइंट जीरो टू टिल हंड्रेड कोई भी रिसर्च करते हैं तो सिंस ओनली अबाउट द रिसर्च टॉपिक रिसर्च का जो टॉपिक है दैट शुड भी डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर वैल्यूज ठीक है इसके बाद आगे जो भी रिसर्च होगा राइट फ्रॉम स्टेप वन टू टिल स्टेप यू नो लास्ट स्टेप ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव मैनर में आपका रिसर्च होना चाहिए ओके okay? तो कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च का सिर्फ जो टॉपिक है वो आप डिसाइड कर सकते हैं जैसे कि सपोज अगर मैक्स uh, वेबर ने मैक्स वेबर ने जैसे कि कैपिटलिज्म में उन्होंने स्टडी किया ब्यूरो में किया तो उनके हिसाब से उस एरा में उस टाइम पीरियड में दो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे ब्यूरोटिक इंस्टीट्यूशंस ओके इमर्ज कर रही थी और यू कैन से यू नो दिस एडवेंट ऑफ कैपिटलिज्म वाज देयर सो ही बिकॉज ही वाज सो मच इन्फ्लुएंस उनको लगा कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यू नो इवेंट्स हो रहे हैं और ब्यूरोटिक ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे जाके ब्यूरोटिक ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल फ्रीडम को गिरा देगा ठीक है इट विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल फ्रीडम तो मैक्स वेबर ने अल्टीमेटली दो टॉपिक पे डिटेल स्टडी किया ब्यूरोसी और कैपिटलिज्म में ओके लेकिन टॉपिक

So, I will say validity is nothing but it is a kind of you can say uh, you know that you are overcoming your value biasness so that you are conducting a research in an objective manner. So overcoming value biasness to conduct research in objective. मैना अब जब मैं वैल्यू बायसनेस की बात कर रहा हूं मैं इसमें बहुत से टर्म्स डाल सकता हूं जैसे कि माय ओन प्रेजुडिस इमोशंस सब्जेक्टिव फीलिंग्स और सब्जेक्टिव बायसनेस ठीक है ये सब चीजों यू कैन से प्री कंसीव मोशन ऑल्सो प्री नोशंस मोशन नोशन जैसे कि हम लोग बोलते हैं भाई अल्कोहलिक पीपल इस सुसाइड कर रहे हैं प्रेजिस बोल सकते हैं कि भाई लोग पोरे बिकॉज लेजीनेस है इमोशंस किसी आप चीज़ को सोशल फिनमिलो को यू नो अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सपोज आप किसी रिलीजन टू रिलीजन रिलीजन वन एंड रिलीजन टू के बीच तो ऑफ रिलीजन सो यू हैव टू ओवरकम ऑल थिंग्स एंड वेन यू ओवरकम एवरी थिंग यू विल बी एबल टू कंडक्ट अ स्टडी इन अ ऑब्जेक्टिव मैनर बेसिकली इसका मतलब भी हो सकता है कि यू आर कंप्लीटली इन डिफरेंट डिफरेंट टू द मैटर इन हैंड और सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग यू आर स्टडिंग ठीक है बहुत ही सिंपल है नाउ व्हाट आर द एसोसिएटेड थिंकर्स आई रिमूव एवरीथिंग एसोसिएटेड थिंकर्स में देखिए जितने भी हमारे स्पेशली जो पॉजिटिविस्ट हैं ठीक है पॉजिटिविस्ट जैसे कि अगर हम बात करें हमारे डक हिम सेंट सिमोन ऑगस्ट कॉम्टे वो सब बोलते हैं कि वी नीड टू कंडक्ट स्टडी इन अ वैल्यू न्यूट्रल मैनर ठीक है इवन मैक्स वेबर भी बोलते हैं कि वी नीड टू कंडक्ट स्टडी इन अ वैल्यू न्यूट्रल मैनर तो आप थिंकर्स की बात कर सकते हैं एमिल डिम सिमोन ऑगस्ट कॉम्थ इवन यू नो मैक्स वेबर ऑल टॉक अबाउट दैट वी शुड कंडक्ट स्टडी इन वैल्यू न्यूटल मैनर स्पेशली जब मैथ्स पेपर बोलते हैं कि दो वैल्यूज विल इन एविटेबली एंटर योर सोशलॉजिकल रिसर्च बट स्टिल आप वैल्यू न्यूटल मैनर में अपना रिसर्च कर सकते हैं ठीक है इन्होंने कुछ इसके लिए टूल्स भी बनाए थे जैसे कि सपोज मैं बोलू वर्सटी हर्सटी हेन अप्रोच या आइडियल टाइप्स ये दोनों मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा अभी सिर्फ आइडिया दे देता हूँ कि कैसे आप वैल्यू मैनर में इस किसी कर सकते हैं सपोज वन पर्सन इज पॉइंटिंग अ गन एट पर्सन टू तो बाहर से तो रिसर्चर को लग रहा कि भाई वो उसको मार रहा है ठीक है लेकिन अगर मुझे जो एक्चुअल में हो रहा है उसको फील करके उसको आपको रिपोर्ट करना है तो यू कैन पुट योर सेल्फ इंटू द शूज ऑफ दैट पर्सन पी वन इज पॉइंटिंग अ गन एट पी टू तो आप एक्सैक्टली exactly उसको एज इट एस रिपोर्ट कर सकते हैं तो वह वो, वो है यू आर पुटिंग योर सेल्फ इंटू द शूज ऑफ अदर पर्सन एंड जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिस्स फ्रेम ऑफ माइंड कि वो क्या सोच रहा है वाई इज ट्राइंग टू किल दैट पर्सन टू ओके आइडियल टाइप्स क्या जैसे आइडियल ब्यूरोक्रेसी मैंने आपको एक्जाम्पल दिया था तो आप किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन का या फिनामिना का आइडियल टाइप्स बना लीजिए ब्यूरोक्रेसी का डेमोक्रेसी का किसी भी चीज का ठीक है और उसको फिर कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज इट विल एक्ट एज ए कंपेरेटिव टूल फॉर क्रॉस कल्चरल स्टडीज ठीक है तो वहां पे आपके जो यू नो व्हाट यू कैन से कि आपके सब्जेक्टिव बायसनेस बाइसनेसपिंग नहीं होंगे तो अगर आपने बहुत ही ऑब्जेक्टिव मैनर में अपना आइडियल टाइप्स बना लिया है तो आप उसको कंपेयर में यूज कर सकते हैं कि भाई उस सोसाइटी में ब्यूरोक्रेटिक की हालत इतनी अच्छी नहीं है या ये सोसाइटी हमारा एकदम आइडियल ब्यूरोसी है ठीक है आइडियल ब्यूरोटिक ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलता है ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट यू नो वैल्यू न्यूट्रलिटी और वी शुड यू नो एज अ अलॉजिस्ट वी शुड ऑलवेज लुक फॉर आई नो वैल्यू न्यूट्रल जजमेंट हम लोग कोई वैल्यू लोडेड जजमेंट कभी ना पास करें ठीक है नो वैल्यू लोडेड जजमेंट्स ठीक है हम लोग कुछ प्रिस्क्राइब ना करें हम लोग जैसा है वैसे उसको रिपोर्ट कर दें और जैसे हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज हम लोग हमारा रिपोर्टिंग अगर बहुत ही ऑब्जेक्टिव मैनर में है सो व्हाट इट विल डू इट विल लीड टू व्हाट इट विल लीड टू हैव अ काइंड ऑफ लॉट ऑफ बेरिंग ऑन द यूसेज ऑफ दैट रिसर्च आउटपुट हम लोग जो भी रिसर्च आउटपुट देंगे अगर वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव मैनर में तो कोई भी उसको यूज करके यू नो कोई भी अगर किसी प्रॉब्लम के बारे में लोग बात करें तो उसको हम लोग इजिली रिजोल्व कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज अबाउट यू कैन से वैल्यू न्यूट्रैलिटी आप ये दोनों की बात कर सकते हैं जब हम लोग प्रॉपरली मैक्स पेपर कर लेंगे ना तो आपको ये सब बहुत ही आसानी समझ में भी आ जाएगा भी मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है चीजों के बारे में नाउ नेक्स्ट इज वॉट इज ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी अब देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड अब अगर मैं बोलू फ्रेम ऑफ माइंड अबाउट वॉट सो इट मीन दैट यू हैव द एबिलिटी टू सी एंड एक्सेप्ट द फैक्ट्स एज दे आर ओके एंड जैसा है वैसा ही आप दिखा रहे हैं आप कोई अपना इंटरप्रिटेशन नहीं डाल रहे उसके अंदर सो एबिलिटी टू सी एंड एक्सेप्ट फैक्ट्स एज दे आर दे इज नो यू नो प्रेजुडिस नो इमोशंस No preconceived notions. Okay. There is nothing like this which is, you know, you can say contaminating your sociological research. ठीक है बहुत ही सिंपल वे में बताया ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड है और आप वैसे ही यू uh, नो you know, जैसा दिख रहा है वैसा रिपोर्ट कर रहे हैं आप अपने जो भी आपका है से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं ठीक है तो आपके सब्जेक्टिव बायसिपिड नहीं हो रहे हैं सो दैट इज यू कैन से यू कैन से इज अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यूज सो यू आर डिटैच्ड यू आर डिटेच टू द सोशल फिनोमना दैट यू आर स्टडिंग यू कैन एड दिस थिंग्स ऑल्सो कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू separation between fact and value completely detached to the social phenomena to social phenomena you are studying so that is why it is a kind of you can say a frame of mind you are both important फ्रेम ऑफ माइंड आपका वैसा होना चाहिए फॉर दैट यू हैव टू बी आपको highly trained होना पड़ेगा तभी आप एक फ्रेम ऑफ माइंड ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ माइंड यू नो ला सकते हैं ओके सो दिस इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट राइट एंड दिस इज इन जनरल ओवरऑल वॉट आई वॉज टेलिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी अब चलते आगे देखिए आई एम रिमूविंग एवरी थिंग देखिए कुछ थिंकर्स हैं ये पहले भी मैंने आपको बता रखा है गस्कॉम मैक्स वेबर एमिल डिम देस टॉकिंग अबाउट यू नो कंडक्टिंग रिसर्च इन वैल्यू फ्री मैनर रिसर्च इन वैल्यू फ्री और यू कैन से वैल्यू न्यूट्रल मैनर ठीक है बिकॉज अगर आपका सब बाइसनेस स्क्रिपिन होगा तो वॉट विल है इट विल कंप्लीटली यू नो जेपरडाइज द होल रिसर्च आउटपुट तो हमें कोई भी मॉरल जजमेंट्स या वैल्यूलोडेड जजमेंट्स पास नहीं करना है एंड स्पेशली जो हमारे पॉजिटिविस्ट हैं ऑगॉस्कॉम एमिलडक हिमसेंसम हर्बर्ट स्पेंसिस ऑल थिंग्स वो हमेशा बोलते थे कि साइंटिफिक मेथडोलॉजी के थ्रू आप बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं ठीक है ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं सो so, इसी तरह अब सपोज अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्टिविटी की सपोज ये पेन है अब ये पेन अगर मैं देखूँ अगर मुझे ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर करनी है तो मैं क्या बोलूंगा पेन इज ब्लैक राइट अगर मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हूं तो प्रॉब्लम को मैं अलग तरीके से इंटरप्रेट करूंगा मैं बोलूंगा दिस इज अ कलर ऑफ सैडनेस और दिस इज वेरी रीगल कलर तो उस सेंस में मैं अपना इंटरप्रिटेशन डाल रहा हूं अगर मैं बोल रहा हूं कि दिस ब्लैक कलर इज यू नो रिजेंबलिंग सैडनेस और रिजेंबलिंग रीगलनेस तो इस सेंस में मैं अपना इंटरप्रिटेशन डाल रहा हूं मैं यू नो प्रॉपरली यू कैन से ऑब्जेक्टिव नहीं हूं ठीक है सो दिस इज वॉट यू कैन टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी और एसोसिएटेड थिंकर्स बहुत ही कॉमन है आप पॉजिटिव थिंकर डाल सकते हैं प्लस आप मैक्स पेपर का जरूर डालेगा बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट द वैल्यू न्यूट्रलिटी और वैल्यू न्यूट्रेलिटी में ही वॉज टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स लाइक यू नो दिस वर्स टन अप्रोच आइडियल टाइप्स इनफैक्ट मैं आपको एक दो थिंकर्स और देता हूँ एक्स्ट्रा सो दैट यू कैन हैव एच अब सपोज जो अलग थिंकर जो मैं आपको कोट करने वाला हूं वो है रेडक्लिफ ब्राउन वेरी रेनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड ही रेनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं इन्होंने भी कुछ बात की थी कि ऑब्जेक्टिविटी कैसे इंश्योर की जाती है नाउ रेडक्लिफ ब्राउन ही यूज द वर्ड एंड दैट वर्ड इज एथनोसेंट्रिक बायसनेस ओके एथनोसेंट्रिक बायसनेस अब एथनोसेंट्रिक बायसेस में सपोज मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं सपोज एक सोशोलॉजिस्ट हूं मेरा अपना एक कल्चर है किसी कल्चर बैकग्राउंड से आता हूं और मैं दूसरे सोसाइटी को पढ़ने जा रहा हूं तो मेरे अंदर यह बायस नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरा कल्चर बेस्ट है उनका कल्चर इंफीरियर है तो आप हमेशा ये वर्ड यूज हैव एनी काइंड ऑफ एथनोसेंट्रिक बास नहीं होनी चाहिए जैसे कि जब यू नो ब्रिटिश रूलिंग द इंडिया तो दे ऑलवेज बिलीव की जो वाइट मैन कल्चर है इट इज मोर सुपीरियर टू द इंडियन कल्चर तो वो बायसनेस से क्या हुआ जो हमारी जो भी रिसर्च हम लोग करेंगे उसमें हम अपना इनडायरेक्टली या कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इनकॉपरेट कर रहे हैं तो हमारा जो पूरा डेटा है वो या रिसर्च फाइंडिंग है वो हमारा कंटेमिनेट हो जाएगा इसी तरह ब्रॉनिसकी ने भी बात की थी एक टर्मनोलॉजी की दैट इज कॉल्ड कल्चरल रिलेटिविज्म कल्चरल रिलेटिविज्म अब देखिए कल्चर रिलेटिविज्म का मतलब क्या है आप इसी को ही इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सपोज मैं जा रहा हूँ किसी ट्राइबल सोसाइटी को पढ़ने ठीक है तो वहाँ का कोई कल्चरल प्रैक्टिस होगा या कोई कल्चरल रिचुअल्स होंगे कुछ रिचुअल्स होंगे उनकी बिलीव्स होंगे प्रैक्टिस होंगे उनके कुछ फूड हैबिट होंगे ओके ईटिंग हैबिट टॉकिंग हैबिट इंट्रैक्शन पैटर्न उनको हम लोग यू यू नो इन्फीरियर नहीं मान सकते हमको उनकी कल्चरल प्रैक्टिस को उनके कॉन्टेक्स्ट में ही समझना चाहिए सपोज मैं बोलूँ कि होपी डांस हो रहा है होपी ट्राइब्स होपी डांस कर रही है तो हमें ये नहीं माना कि होपी डांस इज कम्प्लीटली यूजलेस हमें उनके पर्सपेक्टिव चाहिए कि वो लोग वही सब क्यों कर रहे हैं तभी हम लोग उस जो प्रैक्टिस चली जो डांस चला उसका हम लोग रिजेमलेस समझ पाएंगे उसका सिग्निफिकेंस समझ पाएंगे अब जैसे बाहर से अगर लोग आएंगे और देश दे से कि इंडियन वुमेन इंडियन वुमेन मंगलसूत्र पहनती हैं या फिर यू नो सिंधु लगाती तो उनको लगेगा कि ये सब नॉनसेंस बातें तो इंडियन पर्सपेक्टिव अगर समझेंगे तो उसके लिए काफ़ी यू नो दे विल एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका काफी रेलेवेंस you know, है काफी सिग्निफिकेंस है विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन सोसाइटी ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट दीज टू यू कैन से यू नो थिंकर्स और यू के से रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेटलिव राउंड एंड रोनिलो मेलेनोस के इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव को इंश्योर करने के लिए जैसे कि आप एमिल डरखे में आपको डिटेल में फिर से बताऊंगा इससे एमिल डरखेम ने अपने बुक रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड में रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में अभी मैंने आप कुछ लाइट पहले भी आपको बताया था ही सेट की सोशल फैक्ट शुड भी ट्रीटेड एज थिंग्स ट्रीटेड एज थिंग थिंग्स वाई बिकॉज थिंग्स रिएक्ट मैकेनिकली और बिकॉज थिंग्स अगर उनको बताएंगे तो हमारे कुछ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होंगे तो हमारे प्री कंसिप्ड नोशन विल नॉट है सोशलॉजिकल रिसर्च तो इस दैट इज वाई सोशल फैक्ट

who research the topic or the choice of the subject for the research is directly you know influenced by the values of the researcher so choice of research uh, subject or i'll write it down again max weber he said चॉइस ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई यू कैन से रिसर्च बट उन्होंने ये भी बोला कि रिसर्च का जो टॉपिक है वहां तक तो ठीक है पर उसके आगे जितनी भी रिसर्च करनी है उसको बहुत ही न्यूट्रल मैनर में करना है ऑब्जेक्टिव मैनर में करना है अब सपोज इसका एक्जाम्पल वैसे तो मैंने आपको एक मैक्स को दे दिया सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं एनी फीमेल स्कॉलर और सोशोलॉजिस्ट देयर जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस सपोज हुआ है ओके okay, तो वो ऑटोमैटिकली ऑटोमेटिकली शी विल चूज अ टॉपिक ऑन डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ तो ठीक है पर इसके आगे वॉट एवर द काइंड ऑफ कैसे वो डेटा कलेक्ट कर रही है कैसे इंटरप्रेट करिए वो सब ऑब्जेक्टिव मैनेज होना चाहिए सपोज यू नो शी रेफर्ड शी अंडरगोड यू नो डोमेस्टिक वायलेंस और सफर थ्रो डोमेस्टिक वायलेंस बिकॉज ऑफ एल्कोहलिज्म तो उनका इंटरप्रिटेशन ये नहीं होना चाहिए क्योंकि शी हैज हर सेल्फ वेंट थ्रू ऑल थिंग्स क्या पता डोमेस्टिक वॉलेंस जो रियलिटी में ये तो इनके साथ हुआ है सो दैट्स कंक्लूजन बट रियलिटी में भी हो सकता है कि बोथ कपल आर अनएम्प्लॉयड तो ये रीजन हो सकता है ओके okay? तो जो रियल रीजन है वो एज इट इज प्रेजेंट करना है नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स

एंड ऑस्कर लुइस ऑस्कोलिसलीम्च अपॉन यूर रिसडफी ने किसी और तरीके से किसी और परस्पेक्टिव उसको इंटरप्रेट कर लिया नेक्स्ट क्या डेटा कलेक्शन और यूनो एक्मेशन डेटा कलेक्शन तो बहुत बार ऐसा होता है कि रिसर्चर जब डेटा कलेक्ट भी करता है कलेक्ट okay, करता है तो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी उसको फील्ड का यू नो एक्सेस ही ना मिले ठीक है फील्ड का एक्सेस ही ना मिले वो डेटा कलेक्ट ही ना कर पाए जैसे कि मैंने आपको एक बहुत पहले अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आंध्रे बेटे आंद्रे बेटे वाइल कंडक्टिंग अ स्टडी अबाउट द कास्ट सिस्टम ओके ही वॉज नॉट गिवन एक्सेस टू द अनटचेबल विलेज बाय द ब्राह्मण सो देर अइंड ऑफ ऑफ फील्ड रिस्ट्रिक्शन ओके डेटा कलेक्शन अक्यूमलेन में रिस्ट्रिक्शन आ गई है डेटा कलेक्शन रिस्ट्रिक्शन एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं आंद्रे बेटे ठीक है उनको भेजा ही नहीं गया उनको एक्सेस नहीं दिया गया अनटचेबल विलेज का तो उन्होंने जो भी पर्सपेक्टिव फ्रॉम अनटचेबल पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू व्यू उन्होंने अपने हिसाब से से ब्राह्मणिकल उसको बना दिया ठीक है तो डेटा कलेक्शन में नहीं, आप इशू हो रहा है तो डेटा कलेक्शन नहीं हो पाए तो ऑब्जेक्टिव इंश्योर ही नहीं होगी नेक्स्ट हमारा क्या है टेस्टिंग अब देखिए टेस्टिंग का मतलब क्या है सपोज ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ठीक है या रिसर्चर कोई डेटा कलेक्ट कर रहा है पर वो डेटा ऐसे कलेक्ट कर रहा है कि इन द सेंस जिसने जो भी उसने थ्योरी प्रोपाउंड की है उसी थ्योरी को वो अपना वेरीफाई कर दे ठीक है सपोज एमिल डरिम एम इल डरखिम ने जो अपना रेट ऑफ ए नो थोरी ऑफ सोसाइटी रेट ऑफ सोसाइट इंडली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ सोल तो उन्होंने डेटा ही ऐसे कलेक्ट किया कि उनकी थ्योरी सही हो जाए ठीक है सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ यू कैन से वहाँ पे सब्जेक्टिव बाहस नहीं रहती है क्योंकि सोशलॉजिस्ट को लगता है कि भाई जो मैंने थ्योरी दी है वो सही हो तो डेटा ही ऐसे कलेक्ट कर देगा ठीक है, जैसे कि उसी डेटा को यूज करके मॉरिस हॉलबर्च ने मैंने आपको बता रखा थोड़ी देर स्लाइड पहले मॉरिस हॉलबच ने दूसरा थ्योरी निकाल दिया वो था कि रेट ऑफ सोसाइटी डायरेक्टली पोर्शन टू द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है इनकम्प्लीट

बिकॉज प्योरली एंड प्योरली मैं अपने रिसर्च में बोल दिया कि इट इज प्योरली एंड प्योरली बिकॉज ऑफ द लिटरेसी रेट ठीक है पर क्या पता इसके और भी डायमेंशन हो जो मैंने एक्सप्लोर ना किए हूं सपोज मैं बोलू पॉवर्टी पॉवर्टी रेट भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर मैं बोल सकता हूं यू नो लॉज आर नॉट लॉज नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली लॉज बहुत ही लैक्सिटी उसमें है उसकी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट नहीं है ठीक है इस तरह मैं और भी डायमेंशन निकाल सकता हूं तो वो डायमेंशन एक्सप्लोर ही नहीं किया सिर्फ एक के डायमेंशन में अपनी थ्योरी को प्रोपाउंड कर दिया ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट अदर थिंग्स ओके या हम लोग बोल सकते हैं क्राइम रेट फैमिली बैकग्राउंड पे या फैमिली एजुकेशन पे डिपेंड करता है ओके सो दिस इज हाउ यू कैन इनवेज नेक्स्ट इज रिसर्चर्स देखिए रिसर्चर बान वालाज तो टेपोस्लान वालाज वाला जो एग्जाम्पल तो ले ही सकते हैं कि रिसर्च स्टार्ट किया अब अगर आपने किया और ऐसा रिसर्च में बीच में हुआ कि आप अपना जो ऑब्जेक्टिविटी भूल गए आप खुद ही बायस्ड हो गए जैसे कि बायस टेपोस्लान विले, एग्जाम्पल तो आप दे ही सकते हैं रिसर्चर बिकम बायस्ड कम्स बायस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिसर्च कोर्स ऑफ रिसर्च अब अगर वो बायस हो जाएगा तो या तो वह डेटा कंटेम डेटा कलेक्ट करेगा या वो डेटा कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा जैसे कि विलियम वाइट विलियम वाइट वाइल स्टडिंग द क्रिमिनल्स इन यूएस वॉट इज डिड जब वो उनको पढ़ना शुरू किया तो स्टार्टेड एज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये मेथड यूज किया बेसिकली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या होता है कि आप समाज का हिस्सा बनके उन्हीं के समाज में रहिए उनके प्रॉब्लम्स उनके जो भी उनका लाइफ उनको देखिए और अकॉर्डिंगली सोसाइटी को आप बेसिकली स्टडी करिए जैसे ट्राइब्स में जाते हैं तो ट्राइब्स उनकी सोसाइटी का पार्ट बनिए ठीक है ठीके? और उसके बाद फिर आप उनकी सोसाइटी के जितने भी जो भी उनके रिचुअल उसको आप डॉक्यूमेंट करते जाइए तो बेसिकली इस कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तो स्टार्टेड एज नॉन पार्टिसिपेंट ओके okay, दूर से उनको देख रहे थे क्रिमिनल्स को बट आफ्टर सर्टन पीरियड टाइम वी कैम पार्टिसिपेंट नॉन ऑब्जर्वेशन इसका मतलब क्या है कि उनके सोसाइटी का ही पार्ट बन गया और वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एनी काइंड ऑफ अ डेटा तो मतलब कि वो डेटा ही कलेक्ट कर ही करे ठीक है क्योंकि सोसाइटी इतने ज्यादा पार्ट बन चुके थे तो यू कैन कोट दिस ऑल्सो विलियम वाइट अ रेनाउंड यू कैन से सोशोलॉजिस्ट ही स्टार्टेड एज अ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड ही टर्न इन टू पार्टिसिपेंट नॉन ऑब्जर्वेशन आपको इस जितने भी ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये सब मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा यूनिट थ्री में ठीक है रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देखिए डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अगेन आप टेपोरान वाला विलेज वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं ठीक है या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि किसी भी पर्सपेक्टिव को हम लोग किसी भी फोनोमना को हम लोग दो पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर रहे हैं ठीक है फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव से रिलीजन में डर्क हम बोलते हैं कि हमारा रिलीजन हमेशा पॉजिटिव फंक्शन है सोसाइटी में लेकिन मार्क्सिस बोल रहा है कि उसका नेगेटिव कॉनोटेशन भी है ठीक है तो आप डिफरेंट व्यू पॉइंट्स बता सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन यू कैन से रिसर्चर यू नो वैल्यूज

आप दोनों पॉइंट को कवर कर सकते हैं डिफरेंट व्यू पॉइंट थियोटिकल बायस बेसिकली वही चीज है इन द सेंस कि आप अलग अलग यू नो you know, एक ही फिनोमले को अलग अलग पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं ठीक है एक ही फिनोमे को अलग अलग पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं आप अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं थ्योरेटिकल बायस मतलब अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं आप ठीक है जैसे कि डरखिम वाला रिलीजन वाला आप एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे ठीक है इन दोनों व्यू पॉइंट्स को आप कंबाइन कर सकते हैं नेक्स्ट इज सब्जेक्ट इज इन एविटेबल अब देखिए सब्जेक्ट इज इन एविटेबल वेन आई से इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी इज काइंड ऑफ एन इल्यूजन इट इज नीदर डिजायर नॉट अचीवेबल ठीक है अब सपोज मैं इज बिकॉज बोला जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा है वो भी तो ह्यूमन है तो ह्यूमन आर स्टडी ह्यूम तो सब्जेक्टिविटी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी तो यहां पे जो थिंकर था वो आई थिंक मैंने पहले भी नाम लिखा है कुनार मृदाल एंड उन्होंने बोला था कि ऑब्जेक्टिविटी इज इल्यूजन किसी भी सोशलॉजिकल रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी आपको मिल ही नहीं सकती है एंड ऑब्जेक्टिटी डिजायर नॉट अचीव ह्यूमस आर स्टडिंग ह्यूमन एंड वेन वी स्टडी ह्यूमन स्टडी ह्यूमस ऑटोमेटिकली क्रिपिन हो जाएगा सो अगर आपको ऑब्जेक्टिविटी लानी भी है तो यू हैव टू एक्सप्रेस ऑल योर यू नो व्यू पॉइंट बिफोर हैंड या आपका क्या पर्सपेक्टिव आपको पहली बताना पड़ेगा बट इट्स अगेन बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज रिसर्चर को हाईली ट्रेंड होना पड़ेगा ओके okay? रिसर्चर को हाईली ट्रेंड होना पड़ेगा तभी आपका ओवरऑल वेन यू कैन से कि आपका जो रिसर्च है ऑब्जेक्टिव मैनर में हो रहा है ठीक है सो दीज आर सर्टेन यू कैन से प्रॉब्लम विद द ऑब्जेक्टिविटी नाउ नेक्स्ट इज रूल्स टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी अगेन ऑब्जेक्टिविटी कैसे इंश्योर करें हमने प्रॉब्लम तो सारी देख ली है ठीक है अब पहला पॉइंट है स्टेटिंग रिसर्चर बायसनेस ये भी बहुत ही सिंपल पॉइंट है रिसर्चर के कितने क्या प्री कंसिड नोशन हैं क्या उसके सब्जेक्टिव बायसनेस है क्या इमोशंस अटैच्ड हैं ठीक है क्या उसके प्रेजिडसीज हैं है, है, वो सब वो ओपनली बता दे बी वैल्यू फ्रैंक अगर उसको लगता है कि लोग पुअर हैं बिकॉज वो लेजी हैं तो सिंपली बता दे सो दैट मीन्स ही सिंपली टेलिंग वॉट एवर प्री कंसीव्ड नोशंस प्रेज और इमोशंस आर बी वैल्यू फ्रैंक ओके okay. नेक्स्ट है हमारा मैथडोलॉजी अब सपोज हमें इंश्योर करना तो हमें मेथडोलॉजी भी बहुत ही प्रॉपरली सिलेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली आप बता सकते हैं कि जैसे कि पॉजिटिव बोलते हैं कि हमें साइंटिफिक मैथडोलॉजी ही यूज करना है देन ओनली वी कैन स्टडी सोशल फिनमिना इन अ ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल मैनर तो मेथडोलॉजी भी हमें जैसे कि पॉजिटिव बोलते हैं नेचुरल साइंस मैथडोलॉजी यूज करना है पॉजिटिविस्ट बोलते हैं चुरल साइंस मैथडो मैथोडोलॉजी ही यूज करना है जैसे कि याद है मैंने नेचुरल साइंस मेथोलॉजी कुछ टेप्स बनाए थे हॉट एंड एंड हंट में साइंस साइंटिफिक में आप बेसिकली बस नेचुरल साइंस मेथडलॉजी एज गि बाई हॉट एंड हंट ऐसे बता सकते हैं ठीक है या फिर ऐसा कोई मैथडलॉजी जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिविटी प्रॉपरली यू नो इंश्योर्ड हो ठीक है नेक्स्ट है हमारा नॉन प्रिफ्रेंशियल एटीट्यूड मतलब आप जब रिसर्च कर रहे हो तो कोई अपने प्रिफ्रेंसेस ना एडवोकेट करें कोई भी अपनी प्रिफेंसेस एडवोकेट ना करें जैसे कि मैंने बताया था रेडक्लिफ ब्राउन का एग्जाम्पल एथनोसेंट्रिक बायसनेस ये वर्ड्स याद रखिएगा दे शुड बी नो एथनोसेंट्रिक बायसनेस ओके ब्राउनी लॉ मेलिनोस्की का पॉइंट कल्चरल रिलेटिविज्म ओके ये सब पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं जो तो मैंने आपको पहले बताया था कि इन द ऑफ रिसर्च यू शुड नॉट एडवोकेट एनीथिंग लाइक यू नो एडवोकेटिंग फॉर सर्टेन कल्चर और एंड प्रैक्टिस ठीक है सब चीज को आपको समान स्तर पे देखना है नेक्स्ट क्या स्टैंडर्डाइजेशन आई से स्टैंडर्डाइजेशन इट मीन वॉट इट मीनस की वेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च आप एक स्टैंडर्ड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ठीक है स्टैंडर्ड टेक्निक्स टू मेक श्योर कि आपकी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा हो उसकी वैलिडिटी ज्यादा हो रिलायबिलिटी मतलब वो आराम से रिप्रोड्यूस कर सके कोई और रिसर्चर सेम रिजल्ट है जब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वैलिटी मतलब रिच कंटेंट हो तो कोई भी स्टैंडर्डाइज टूल्स आप यूज कर सकते हैं जैसे कि एम एल डर थ्योरी ऑफ सोसाइड ही यूज स्टैंडर्डाइज टूल्स लाइक मल्टीवेरियंट एनालिसिस मल्टी एनालिसिस ओके कोरिलेशन कोरिलेशन टेक्निक्स ये सब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग सोशोलॉजिकल कर थिंकर्स करेंगे नेक्स्ट है फील्ड लिमिटेशन अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आंध्रे बेते वैन ही वॉज कंडक्टिंग अ स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू कास्ट सिस्टम ही वॉज डिनाइड एक्सेस टू द अनटचेबल विलेज तो जितने भी फील्ड लिमिटेशन हैं वो आप ओपनली बता दीजिए कि मुझे फील्ड लिमिटेशन मिली इसलिए मैं डेटा कलेक्ट नहीं कर पाया इससे क्या होगा कि यू आर बिंग वैल्यू फ्रैंक ठीक है वैल्यू फ्रैंक एट द सेम टाइम जो भी रिस्ट्रिक्शंस मिल रही हैं आपको वो भी आप बता दे रहे हैं ठीक है अब जैसे कि उन्होंने आंध्रे बेते ही स्टडी किया था सिस्टम पे ही वेंट एंड स्टडी श्रीपुरम विलेज इन तमिलनाडु ओके श्रीपुरम विलेज नेक्स्ट है हमारा इन सैंपल अब देखिए आप सपोज कोई भी स्टडी कर रहे हैं ठीक है आप कोई भी स्टडी करें से पोल रिजल्ट का स्टडी करना चाहते हैं तो आप ऐसा सैंपल लीजिए ऐसा नहीं कि अगर आप सपोज उस पोल बूथ में एक लाख लोग हैं तो आपने दो तीन लोग से ही पूछ लिया कि आप किस पोलिटिकल पार्टी को यू नो वोट करना चाहते हैं आप प्रॉपरली एक हजार या दो हजार या पांच हजार का सैंपल सोसाइटी पर लगाएं तो आपके अंदर हो कि मैंने इतने बड़ा लिया था इसलिए मेरे का जो भी कॉन्फिडेंस है, है छोटा सैंपल मत लीजिए नेक्स्ट क्या डबल ब्लाइंड अप्रोच अब सपोज डबल ब्लाइंड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च में आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिविटी कैसे इंश्योर करेंगे ठीक है आप सपोज मैं ही अगर जनरली पूछ लू लोगों से मेरे अंदर एक ऑलरेडी प्री कंसेप्टोशन है कि जो एल्कोहलिक लोग हैं ठीक है थीके, वही लोग सुसाइड करते हैं और मैं जाके वहां पे जितने भी लोग हैं जो एल्कोहलिक लोग को स्टडी कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मैं उनको बोलूंगा कि ठीक है आप क्या क्या टेंडेंसीज है क्या सुसाइड किया है बार बार से पूछूंगा उनको नच करने उनके आंसर्स को नच करने की कोशिश करूंगा लेकिन सपोज मैं एज ए रिसर्चर मुझे नहीं पता कौन आंसर कर रहा है ठीक है रिसर्च और जो रिस्पॉन्डेंट उनको भी नहीं पता रिसर्चर कौन है या उसके प्रियप्ट आपस में नोशन क्या है तो दोनों को नहीं पता बोथ रिसर्चर एंड बोथ द रिस्पॉन्डेंट नो हु इज आंसरिंग विच क्वेश्चन तो इट मीन्स डबल ब्लाइंड बोथ रिसर्चर एंड रेस्पोंडेंट डोंट नो हु इज आंसरिंग विच क्वेश्चन तो इससे क्या होगा ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर रहती है लास्ट पॉइंट हमारा क्या है पीयर रिव्यू अब सपोज आपने कोई भी रिसर्च फाइंडिंग दे दी तो आप उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स में ठीक है अपनी रिसर्च फाइंडिंग दीजिए और लेट लेट रिव्यू रिव्यू इट इट वेरी क्रिटिकली तो जो भी उनका रिव्यू होगा दैट विल हेल्प टू मेक श्योर कि आपको रिसर्च फाइंडिंग एकदम ऑब्जेक्टिव मैनर पे हो इसके बाद अब एक और पॉइंट डाल सकते हैं कि आपका जो ट्रेनिंग होता है ना ट्रेनिंग द रिसर्चर शुड बी वेल ट्रेन रिसर्च शुड बी Well क्योंकि अगर आप ट्रेन है प्रॉपरली तो व्हाट विल कि आप रिसर्च बहुत ही ऑब्जेक्टिव मैनर में कर पाएंगे यू विल एबल टू सेपरेट अपनी प्रोफेशनल लाइफ आप जो रिसर्च कर रहे हैं और जो आपकी वैल्यू बाइसनेस आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पिंच करते हैं वो आप अपने सब यू नो रिसर्च में इंपीज नहीं होने देंगे तो आपका डेटा जो है बहुत ही ऑब्जेक्टिव में आएगा डेटा नहीं होगा इट मैंने यूजफुल फॉर यू नो रिजॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स और जिस टॉपिक पर आप करें उस हेल्प इन रिजॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स अगर आप क्राइम रेट पर रिसर्च करें तो क्राइम रेट से रिलेटेड आप कुछ यूजफुल इंसाइट दे सकते अपने रिसर्च फाइंडिंग्स में ठीक so, है सो दिस इज वॉट यू कैन टॉक अबाउट द रूल्स टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी देखिए अगेन बहुत ही सिंपल पॉइंट है हाइपोथिस फॉर्मुलेशन अब अगर आप एकदम ऑब्जेक्टिव हैं आपको रिसर्च का यू नो you know, आपका रिसर्च का आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है ठीक है तो आप हाइपोथेसिस बहुत ही क्लियर इजी लैंग्वेज में बहुत ही रेलिवेंट हाइपोथेसिस बना सकते हैं ठीक है आपका हाइपोथेसिस विल नॉट बी मार्ड बाय योर सब्जेक्टिव बायसनेस तो योर सब्जेक्टिव फीलिंग से आपका हाइपोथेसिस बिल्कुल भी इम्पिंच नहीं होगा तो अगर आप ऑब्जेक्टिव हैं तो यू कैन मेक वेरी क्लियर एंड रेलिवेंट हाइपोथेसिस ठीक है जैसे कि अगर मैं बोलू पॉवर्टी पॉवर्टीज में बी रिलेटेड टू यू कैन से वेज पॉवर्टी इज रिलेटेड टू यू कैन से एजुकेशन पॉवर्टी इज रिलेटेड टू स्किल ओके वन टू थ्री इस सब बना सकते हैं या अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं तो प्रॉब्लम आप ये बनाएंगे पॉवर्टी इज रिलेटेड टू लेजीनेस जो कि सही नहीं है ओके दिस इज रॉन्ग आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया ओके नेक्स्ट क्या है हमारा सेव्स टाइम एंड एफर्ट अब देखिए जब आपने हाइपोथेसिस बना ली है आपको एकदम ऑब्जेक्टिव मैनर में तो बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में हाइपोथेसिस बना लिए तो आपको पता है कि आपके रिसर्च का एम क्या है आपका नेचर ऑफ रिसर्च क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं प्लस आपने टारगेट ग्रुप भी स्पेसिफाई कर लिया है अब अगर मैं बोलूँ कि पॉवर्टी इज डायरेक्टली रिलेड टू द स्किल्स तो आप पहले पॉवर्टी को प्रॉपर्टिफाइन कर लेंगे लोग हैं कि इतने लोग आप उन्हीं लोग को सिर्फ टारगेट करेंगे और कहीं और किसी लोग को स्टडी नहीं करेंगे स्किल्स में भी आपने डिफाइन कर लिया की भाई इसके बाद इतनी बेसिक स्किल्स होनी चाहिए तभी यू नो हम लोग उनको अपने एम्बेट में लेंगे या उनको टारगेट ग्रुप में लेंगे तो आपका एकदम टारगेट ग्रुप एकदम सेट है ठीक है आपकी रिसर्च का एम एकदम सेट है आपका हाइपोथेसिस एकदम क्लियरली बना हुआ है तो, तो, तो गोइ से रिसर्च अब देखिए अगर आपका वेरिएबल सेट है वेरिएबल वन वेरिएबल टू तो यू आर गोइंग टू कंडक्ट द रिसर्च इन दिस डायरेक्शन आप सिर्फ इन्हीं वेरिएबल से अपना मतलब रखेंगे ठीक है आप फोकस रिसर्च करेंगे बहुत ही नैरो रिसर्च करेंगे ब्रॉड अलग अलग वेरिएबल्स पे आप नहीं भागेंगे आप सिर्फ कुछ ही वेरिएबल्स के रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे सो दैट इज व इट इज गिविंग अ डायरेक्शन टू योर रिसर्च दैट इज वॉ इट इज गिविंग गाइडेंस टू योर रिसर्च दैट्स वाई इट्स आई एम रिटन यू नो आई रिटन गाइड्स रिसर्च नेक्स्ट क्या है वेरिफिकेशन एंड वैलिडिटी अब देखिए अगर आप प्रॉपर ऑब्जेक्टिव वे में रिसर्च कर रहे हैं ठीक है बिकॉज सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी लिखा हुआ है तो अगर आप ऑब्जेक्टिव हैं तो आपने जो भी रिसर्च किया है इट इट प्रोन टू वेरिफिकेशन प्रोन टू वेरिफिकेशन इसमें रिलायबिलिटी हाई रहेगी जनरल रिलायबिलिटी हाई रहेगी स्पेशली अगर आपने क्वांटिफाइबल डेटा लिया हुआ है ठीक है इसलिए अगर आपने क्वांटिफाइबल डेटा लिया है, तो रिलायबिलिटी हाई रहेगी आप इसको आराम से वेरीफाई कर सकते हैं कोई और दूसरा रिसर्चर होगा तो वो भी इसलिए उसको आराम से वेरीफाई कर सकता है और वैलिडेट कर सकता है आपके रिसर्च की फाइंडिंग्स को ठीक है और अगर आपने सही रिसर्च किया है तो इट इज़ प्रोन टू तो फॉल्सिफिकेशन ऑल्सो बिकॉज फॉल्सिफिकेशन अगर होगी क्योंकि जो दूसरा रिसर्चर होगा वो फॉल्सिफाई करने की कोशिश करेगा और अगर आप फॉल्सिफाई नहीं कर पा रहा है ठीक है अपने अलग रिसर्च में डेटा कलेक्ट करके तो प्रॉब्ली आपका थ्योरी और ज्यादा स्टर्डी बनेगा ओके तो इट इज प्रोन टू तो वेरिफिकेशन प्लस वैलिडिटी भी होगी क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव अब मैनर में चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो आप कोशिश करेंगे जितने जितना रिच डेटा आप कलेक्ट कर पाएं ठीक है सो दैट इज वैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन वैलिडिटी भी यहां पे अच्छी रहेगी और लास्ट है कंडक्टिंग रिसर्च कंडक्टिंग रिसर्च का मतलब क्या है कि आप सपोज एकदम ऑडिटेक्टिव बना रहे हैं ठीक है तो आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होगा कि कैसे रिसर्च कंडक्ट करना है इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर सो so दैट कोई सब्जेक्टिव बायसनेस क्रिपिन ना हो तो आप उसकी मेथोडोलॉजी पहले से डिसाइड कर लेंगे राइट right? इसकी मैथडोलॉजी पे आप वर्क कर लेंगे कि क्वालिटेटिव मैथडोलॉजी यूज़ करना है क्वान्टटिव मैथडलॉजी यूज़ करना है ठीक है उसके बाद फिर आप इसका टेक्निक्स देख लेंगे टेक्निक्स में अगर आप क्वालिटेटिव की बात करेंगे तो प्रॉपर्टिया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे ठीक है आप फोकस ग्रुप डिस्कशंस की बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर की बात करेंगे तो टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन कि कैसे आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं मैथोडोलॉजी मतलब क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव ये सब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा क्वांटिटेटिव मतलब कि ऐसा डेटा जिसको आप स्टैटिस्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि सुसाइड रेट हो गया क्राइम रेट हो गया पॉवर्टी रेट हो गया लेकिन मैं अंदर से क्या फील कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा तो क्वालिटेटिव डेटा को आप क्वान्टिफाई नहीं कर सकते तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए आप क्वालिटेटिव टेक्निक्स यूज करेंगे क्वानिटिव टेक्निक के लिए क्वान्टिटिव डेटा के लिए आप कॉन्टिटेटिव टेक्निक्स यूज़ करें क्वानिटेटिव में हमारा सर्वे इंटरव्यू क्वेश्चन है सब आता है जो तो कि हम लोग यूनिट थ्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारे ईजी अंडरस्टैंडिंग अब देखिए जब आप ऑब्जेक्टिव मैनर में अपने रिसर्च फाइंडिंग को पेश करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तो कोई भी ले मैन पर्सन उसको आसानी से समझ लेगा ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग जब आप किसी टारगेट ग्रुप को सपोज रिसर्च किसी टारगेट ग्रुप पे रिसर्च कर रहे हैं इसे ट्राइब्स को स्टडी कर रहे हैं तो आप उनको भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता पाएंगे कि मेरा रिसर्च का रिसर्च का करने का मकसद ही है मेरा एम ये है तो अगर आपने आपके अंदर कोई बाइसनेस उनको बता दिया कि मेरी रिसर्च का मतलब यह है मुझे रिसर्च करनी है तो टारगेट बहुत आसानी समझ लेगा ठीक है क्योंकि वो भी समझेगा कि आपका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ स्टडी को रिसर्च करना है दे आर यूर नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर और इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंसर देयर आंसर्स ठीक है सो ईजी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है नाउ इज ऑब्जेक्टिव डिजायरेबल और नॉट बहुत ही प्रेविलेंट क्वेश्चन है, है पहली बात क्या है पॉजिटिविस्ट याद है आपको पॉजिटिविस्ट पॉजिटिव मैं, मैंने आपसे बोला था ऑगस्ट ऑगस्कॉम हर्बर्ट स्पेंसर एंड देन एमिल दे से कि यस ऑब्जेक्टिव इज डिजायरेबल बिकॉज जब हम लोग ऑब्जेक्टिव मैनर में अपनी स्टडी को करेंगे यूजिंग साइंटिफिक मेथडोलॉजी तो जो रिसर्च फाइंडिंग्स होगी इट विल बी वेरी मच यूजफुल टू रिजॉल्व एनी काइंड का इश्यू प्रेबलेट इन सोसाइटी तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव मेथड ओके okay, और यू नो ऑब्जेक्टिव स्टडी using scientific method to arrive at generalization helps to resolve helps to resolve what helps to resolve issues of the society because to research finding it, it is not contaminated as research findings ज नॉट कंटेमिनेटेड ओके दिस इज ऑल से इट इज डिजायरेबल नेक्स्ट रिलायिलिटी अब देखिए अगर आपने ऑब्जेक्टिव मैनर में कोई स्टडी किया है तो वॉट वी कैन से इट हैज हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी और एज वेल स्पेशली अगर आपने ऐसा रिसर्च किया जहां पर सोशल फोन को आपको क्वॉंटिफाई करके रखा है तो रिला पे हाई हो जाती है मैं अगर सोसाइटी रेट के बारे में बात कर रहा हूं उस पर मैंने कोई थ्योरी बना दी एम एल ड्यू ने थ्योरी बना दी सोसाइट रेट इज डिपेंडेंट ऑन डिग्री ऑफ सॉलिडारिटी और मैं इसको क्वांटिफिकेशन भी ला रहा हूं कि सोसाइट को भी मैंने क्वांटिफाई कर दिया है सॉलिडारिटी को भी मैंने किसी नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो दूसरा रिसर्चर भी अगर उसको ऑब्जेक्टिव मैनर में करेगा तो तभी वो सेम रिजल्ट रिप्रोड्यूस करेगा तो रिलायबिलिटी वहां पर हाई हो जाती है बिकॉज रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज हाई

तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है एंड वेन यू डू दिस ट्रांकुलशन आपकी वैलिडिटी बहुत भी रिसर्च की वैलिडिटी हो जाती है, किसी भी हाँ जाती है। आप, आप यह तो समझ ही है इसका ये या क्राइम रेट ऐसे ऐसे बढ़ रहा है पर आप ये भी देख रहे हैं कि क्यों बढ़ रहा है वाई पार्ट भी आप इंश्योर कर रहे हैं जब आप वाई पार्ट इंश्योर कर पा रहे हैं तो आपकी वैलिडिटी बढ़ रही है दैट इज वाई यू कैन से डिजायरेबल

आप चाहे जितनी कोशिश कर ले आपके वैल्यू जरूर इम्पिंच करेंगे यू नो इन यो सोशलॉजिकल रिसर्च बट उन्होंने ये भी बोला था कि बी वैल्यू फ्रैंक इन द सेंस कि आप सिर्फ टॉपिक ऑफ द रिसर्च सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं आगे आप बाकी सब कुछ बहुत ही वैल्यूटल मैनर में स्टडी कर सकते हैं बाई थिंक वेरियस सोशलॉजिकल टूर जैसे आइडियल्टाइस वस्टी हैं वो सब यूज कर सकते हैं तो यहां पे एल्वन गॉर्डनर इज सेंग कि बेसिकली ऑब्जेक्टिटी कैनॉट बी इंश्योर्ड बिकॉज फैक्ट एंड वैल्यू को आप सेपरेट ही नहीं कर सकते हैं ठीक है आप एलविन गॉर्डन कोर्ट कोट कर सकते हैं नेक्स्ट इल्यूजन जैसे गुनार मृदाल ने बोला कि ऑब्जेक्टिविटी इज एन इल्यूजन ऑब्जेक्टिविटी इज इल्यूजन ओके इट इज नीदर डिजायर्ड नॉर अचीवेबल प्लस उन्होंने बोला है कि सब्जेक्टिविटी क्रीप्स इन क्रीप्स इन वेरी स्टेजेस स्टेजेस क्या है सपोज पहला है यू नो टॉपिक ऑफ द रिसर्च अब सपोज कोई फीमेल है फीमेल स्कॉलर है एंड शी इज अंडरगॉन जैसे एग्जाम्पल पहले डोमेस्टिक वायलेंस बिकॉज ऑफ एल्कोहोलिज्म डोमेस्टिक वायलेंस बिकॉज ऑफ एल्कोहलिज्म तो वो ऑटोमेटिकली ये टॉपिक उठा लेंगे डोमेस्टिक वायलेंस का ठीक है प्लस अब सपोज उन्होंने हाइपोथेसिस बनाना है डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिकलिज क्या होता तो है patriarchy, patriarchy हो रहा क्या टू पता डोमेस्टिक वायलेंस अनएंप्लॉयमेंट से हो रहा हो या एजुकेशन नहीं है बट सिंस उनके साथ ये इशू हुआ डोमेस्टिक वायलेंस बिकॉज उनके हस्बैंड मोस्ट यू नो अल्कोहलिक थे तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस बना ली अब ऐसा हो सकता है कि वो जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो डेटा कलेक्शन में भी हो रहा हो वो और कोई डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे हैं बस एल्कोहलिक हस्बैंड के ही रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जहां पे भी उनको एल्कोहलिक हस्बैंड दिख रहा है वो वहां की फैमिली स्टडी करना शुरू कर दिया और देख रहे हैं कि वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है कि नहीं अब आपने अपने रिसर्च को ही नैरो कर दिया है सारे फैमिली को आप नहीं देख रहे हैं। सिर्फ जहां पे फैमिली देख रहे हैं जहां पे अल्कोहलिक हस्बैंड है तो ऑटोमेटिकली आपकी रिसर्च फाइंडिंग में भी असर आएगा एंड अल्टीमेटली ऑन योर रिसर्च फाइंडिंग रिसर्च फाइंडिंग्स ठीक है सो सब्जेक्टिविटी कैन क्रीप इन वेरियस वे और आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं गुनार मृदाल को नेक्स्ट है हमारा रेडिकल व्यू अब देखिए रेडिकल व्यू का मतलब क्या है रेडिकल व्यू का मतलब है कि सपोज हम लोग किसी भी सोशलॉजिकल फिनमुला को ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू इंश्योर कर रहे हैं उसको रिसर्च को ऑब्जेक्टिविटी में यू नो ऑब्जेक्टिव रिसर्च कर रहे हैं और वी कैन से वी आर डूइंग ऑब्जेक्टिव रिसर्च तो इसमें क्या है कि हम लोग जो देख रहे हैं वही चीज रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोग अपना से ऐसे कुछ नहीं ला रहे हैं ठीक है कोई values, नहीं सामने वाला कुछ अलग से व्यू पॉइंट्स दे रहा है जिससे मेरा सोशलॉजिकल जो हॉराइजन है बढ़ रहा है ठीक है तो इस सेंस में क्या है कि हम लोग जब लोग यू नो ऑब्जुनिटी इंश्योर करते हैं तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू यू नो बी कमिटेड टू द

वो बेसिकली नहीं निकल पाता ठीक है तो क्रिएटिविटी मर जाती है उस में, ठीक है? आई होप एबल टू अंडरस्टैंड जब हम लोग कोई भी चीजों को ऑब्जेक्टिव जैसा दिख रहा है वैसा उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्रिएटिव कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं ठीक है आप यहां पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कल मार्क्स का ठीक है कॉल मार्क्स का कंफ्लिक्टस्पेक्टिव बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इन इक्वालिटी बिकॉज ऑफ एम्पैथी टुअर्ड्स पुअर पीपुल एम्पैथी टूअर्ड्स पुअर पीपुल ओके तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है आप दे सकते हैं यहां पर राइट नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन वैली न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. देखिए मैं आपको कुछ फीडर पॉइंट्स दे रहा हूं पहला क्या है रियालिटी सेम फॉर एवरी मतलब क्या है कि आप जैसा देख रहे हैं वैसे आप उसको रिपोर्ट तो सबके लिए वो रियालिटी है. है? मेरे लिए पेन ब्लैक है तो सबके लिए पेन ब्लैक ही है ठीक है इसमें क्या वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब कि, कि कोई पर्सनल बाइसनेस आपकी रिसर्च को इम्पिंज नहीं कर रही तो आपका रिसर्च बहुत ही यू नो अनकंटेमिनेटेड है राइट एंड इट हैज लॉट ऑफ रेलिवेंस फॉर सोशियोलॉजिकल यू कैन से फाइंडिंग्स और आप उस रिसर्च फाइंडिंग्स को यूज़ करके किसी भी समाज की कुछ भी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर सकते हैं जैसे सपोज आपने क्राइम रेट के बारे में पढ़ाई की तो क्राइम रेट के बारे में रिसर्च जो भी आपने फाइंडिंग्स की अगर वो कंटेमिनेटेड नहीं है तो आप उस क्राइम रेट के इश्यूज को रिजोल्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिटी सपोज आइडियल टाइप्स ओके जैसे आप देख रहे हैं मैक्स वेबर ओके मैक्स वेबर ने जैसे कि बताया था कि आप ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं यूजिंग वेरियस टूस आइडियल टाइप्स जैसे मैंने आपको आइडियल टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी आइडियल टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे बताया था एग्जांपल वैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते आइडियल टाइप्स हो गया वर्स्ट डे हो गया इट कैन भी डिप्लॉयड टू इंश्योर ऑब्जेटिविटी सेपरेशन वाइल वैल्यूटिटी मीस सेपरेशन बिटवीन पर्सनल प्रोफेशन लाइफ आप पर्सनली क्या फील करते हैं ठीक है बट आप प्रोफेशनल जब रिसर्च करने जा रहे हो तो अपने पर्सनल बायसनेस को प्रेज को ओके okay, अपने इमोशंस को सबको आप अलग रख ठीक है तो आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ एकदम अलग रख रहे हैं आप चाहते हैं आपका रिसर्च एकदम ऑब्जेक्टिव मैनर में हो एंड वैल्यू न्यूट्रेलिटी ओके इट इज अस टू अचीव ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी के साथ यू कैन अचीव ऑब्जेक्टिविटी थ्रू वैल्यू न्यूट्रेलिटी ना हो लेक इन टू इज सोशलॉजी फ्री साइंस अब देखिए ऐसे को तो अब जबकि ऐसा क्वेश्चन आया ना यू कैन नॉट राइट ओनली वन पर्सपेक्टिव ठीक है यू हैव टू राइट बोथ द पर्सपेक्टिव यस इट इज़ आप पॉजिटिव थिंकर्स की बात कर सकते हो गस कॉमते एमिल दरखिम इनके क्या व्यूज़ थे वो बोले थे कि यस सोशलॉजी शुड बी अ वैल्यू फ्री साइंस ठीक है और इसमें भी आप आ, इनके पॉजिटिविस्ट मैथडोलॉजी साइंटिफिक मैथडोलॉजी टू इंश्योर यू नो द रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी सो दैट आपके जो जो भी डेटा जो रिसर्च फाइंडिंग कंटेमिनेटेड ना हो ये सब आप इसमें लिख सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव इट इज़ नॉट वैल्यू फ्री साइंस जैसे गुना बृंदाली बोल दिया टोटल ऑब्जेटिटीज़ एन इल्यूजन नॉट डिजायर्ड माइक्रो सोशलॉजी आप अलग अलग से इनके जो अलग अलग डायमेंशनस हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी आप नहीं ला सकते हैं बिकॉज इंडिविजुअल मीनिंग्स एंड मोटिव की बात हो रही है तो नॉन पॉजिटिविस्ट सोशलॉजिट की बात कर सकते हैं इंटरप्रेटिविस्ट सिम्बॉलिक इंट्रेक्शन फ्रोमोनोलोलोलॉजी एथनोमेथोलॉजी इवन मैक्स पेपर भी बोलते हैं कि आप पूरी तरह से वैल्यू फ्री वैल्यू फ्री यू नो रिसर्च नहीं कर सकते वैल्यू इम्पिज होगा बट ओनली टू द पॉइंट कि आपका जो सब्जेक्ट टॉपिक uh, है ऑफ रिसर्च टॉपिक जो है आपका रिसर्च का सिर्फ उस पर आप यू uh, नो you know, आपका वैल्यू आना चाहिए उसके आगे आप जो भी रिसर्च कर रहे हो वो हमेशा न्यूट्रल मैनर में होना चाहिए यूजिंग वेरियस टूल्स जो उन्होंने बताए थे जैसे वर्सटी हेन हो गया या फिर आइडियल टाइप्स हो गया ऑल दो थिंग तो आपको दोनों डायमेंशन देने हैं ठीक है यहाँ पे आप मैक्स फेबर की भी बात कर सकते हैं इसमें आप मैक्स फेबर की भी बात कर सकते हैं

देखिए आरके मर्टन ने बोला था कि जनरली जो इंपेरिकल रिसर्च है इट हैज बिन असाइंड अ वेरी पैसिव रोल बट पैसिव रोल बेसिकली है नहीं मैं आपको बताता हूं जैसे कि उन्होंने बोला था कि जो इंपेरिकल रिसर्च है इट हैज बिन असाइंड अ वेरी पैसिव रोल पैसिव रोल अबाउट वॉट पैसिव रोल विथ रेस्पेक्ट टू कैन सी वेरिफिकेशन और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस जो भी हाइपोथेसिस बनाया बस उसको वेरीफाई करना है या उसको रिजेक्ट करना है तो उनको लगता है वो बोल रहे थे कि इंपेरिकल को बस एक ही रोल दिया गया है ठीक है बट मर्टन वॉज ऑफ द ओपिनियन कि इंपेरिकल रिसर्च हैज यू नो डज नॉट फंक्शन टू दैट एक्सटेंट ओनली इंपेरिकल रिसर्च हैज मोर फंक्शन ओके सो इंपेरिकल रिसर्च ज मोर फंक्शन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वेरिफिकेशन एंड यू कैन से रिजेक्शन ऑफ हाइपोथिस एंड ही से दैट अपार्ट फ्रॉम रिफ्यूटिंग और वैलिडेटिंग हाइपोथिस देयर माइट बी अ चांस कि इम्पेरिकल रिसर्च करने के दौरान आपको कोई न्यू फैक्ट मिल जाए ठीक है सो आई लग एन रिपीट कि इंपेरिकल रिसर्च करने के दौरान यू नो यू माइट कम अक्रॉस न्यू फैक्ट दैट में लीड टू न्यू हाइपोथिस so there's a chance that while conducting research empirical research you might come across new facts that may lead to what that may lead to new hypothesis okay ट में लीड टू न्यू हाइपोथेसिस अब जब न्यू हाइपोथेसिस बनेगी तो क्या होगा इट मे लीड टू न्यू थ्योरी ऑल टूगेदर और इट मे लीड टू एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड थ्योरी ठीक है अब देखिए ये जो मैंने आपको सरेंडिटी पैटर्न बताया जहां हम लोग कहीं भी जिसकी बात कर रहे हैं कि न्यू फैक्ट में लीड टू न्यू हाइपोथिसउट दिस न्यू हाइपोथिस पार्ट दिस इज वॉट this new hypothesis part is the serendipity component of this new hypothesis based on the new fact it is called serendipity component of research component of research which means when you say serendipity it means discovered by chance discovered by चांस ओके अब अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको सबको समझ में आ जाएगा वाइल यू नो ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ रिसर्च यू मे कम अक्रॉस ऑफ डेटा एंड दैट डेटा माइट बी यू कैन से सेनामलस दैट डेटा माइट बी स्ट्रेटेजिक दैट डेटा माइट बी अन एंटीसिपेटेड सो आई लेट इट डाउन हियर ओनली सो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिसर्च you might come across first thing is unanticipated data okay then anomalous data you must come across strategic data ये सब वर्ड्स आप जरूर यूज करिएगा अब जब मैं बोल रहा हूँ अनएटक्सपेटेड डेटा अनएक्सपेक्टेड डेटा मतलब कि जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करे थे ठीक है यू डिस्कवर्ड अ डेटा बाई चांस और विच इज गोइंग टू हैव अ यू नो कंप्लीट यू नो बेरिंग ऑन द थ्योरी सो यू डिस्कवर्ड अ डेटा बाई चांस यू कैन सी अनएक्सपेक्टेड डेटा

इंपॉर्टेंट डेटा है विच इज गोइंग टू हैव अ अल्टीमेट बेरिंग ऑन द थ्योरी क्या पता नई थ्योरी दे दे क्या पता पुरानी थ्योरी को एक्सटेंड कर दे ठीक है तो दिस इज वॉट यू कैन टॉक अबाउट द दिटी कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च अब इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं सपोज बहुत ही यू नो बहुत ही बढ़िया और एग्जाम्पल आप हमेशा कोट भी कर सकते हैं आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग एक एग्जाम्पल है एल्टन मायो ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ओके इन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन यूएस शिकागो इलिनियस में किया था नाइनटीन ट्वेंटीज में एंड नाइनटीन थर्टीज बेसिकली नाइनटीन ट्वेंटी फोर से नाइनटीन थर्टी टू के बीच इन्होंने एक्सपेरिमेंट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे ठीक है यहां पे उन्होंने कुछ यू नो प्री कंसिप्ड नोशंस को टेस्ट किया था जैसे कि उन्होंने चेक किया था कि फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लस यू कैन से फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्क इट विल डिसाइड द प्रोडक्टिविटी

पर उनको जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो टू अ सर्टन एक्सटेंट ओनली ये वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट थे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सिर्फ टू अ सर्टन एक्सटेंट ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट थे इनफैक्ट जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि कुछ नए डेटा आए हैं एंड थ्रू डेटा वॉट हैपन्स दे फाउंड आउट कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये दोनों वेरिएबल्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं इंपॉर्टेंट है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अदर वेरिएबल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट और जो अदर वेरिएबल्स उनको दिखा उनको यू नो दैट दे फाउंड आउट इन देयर रिसर्च

तो उन्होंने देखा कि इनफॉर्मल ग्रुप्स बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है एंड नीड टू बिलोंग टू दो इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स एंड प्लस ग्रुप नॉर्म्स तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल प्ले कर रहे थे एज फार एज प्रोट इज कंसर्ड राइट एंड बिकॉज मैन और यू नो आर सोशल एनिमल तो वो लोग अपनी छोटे छोटे गुड बना लिए थे वर्किंग यू नो इंडस्ट्रीज में तो वो आपस में सपोज सब का सबका सेम सोशल बैकग्राउंड तो अपना आपस में अपने कंडीशन एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने कंडीशन बता रहे हैं वॉट एवर सफ इज देआर गोइंग थ्रू तो इससे क्या होगा स्ट्रेस बस्ट हो रहा था ठीक है ग्रुप के क्या नॉर्म्स हैं कैसे बिहेव करना है कब काम करना है कब नहीं करना वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट यू नो वेरिएबल था और प्लस यू नीड टू गेट आइडेंटिफाई जैसे होता है ना कि हमारे दोस्त का गैंग ये है तो वहाँ पे भी एक गैंग बना होता है कि भाई हम उस गैंग में मतलब बिलोंग करते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो इससे उनको पता लगा कि ये दो पैरामीटर जो जनरली यूनिवर्सली सोचा जाता है वो नहीं है फाइनेंशियल फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क ये सारे पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फर्स्ट टाइम यू कैन से इट लेड टू वॉट इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है इन फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप हमेशा रूल्स एंड रेगुलशन को नहीं थोप सकते तो इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओके बहुत सिंपल था ये अब देखिए पहले हम लोग क्या सोच रहे थे क्या निकल के आया इसकी वजह से हमने क्या किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक नया फाउंडेशन एक नया ब्रांच बन गया दिस इज वॉट यू कैन टॉक अब इन्वेस्टिगेशन इट एक्सपैंडगेशन होराइजन ठीक है हम लोग क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम लोग ऑल टूगेदर डिफरेंट डायरेक्शन में लगे जो कि बहुत ही रेलिवेंट डायरेक्शन ठीक है जैसे कि हम लोग डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे लेकिन हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वेरियब्स मिला फिर हमने इसमें इस भी इन्वेस्टिगेट करके देखा और हमने देखा कि ये भी इतना ही इक्वल बेरिंग है प्रोडक्टिविटी लेवल पे तो इट एक्सपैंड्स योर इन्वेस्टिगेशन हराइजन प्लस इट ऑल्सो ब्रॉड स्कोप ऑफ सोशलॉजी जैसे कि आप पहले को सोशलॉजी सोसाइटी के बारे में बात करते थे ठीक है लेकिन फिर हम लोग ने बात किया कि भाई वर्क वर्क जो है वर्क सिर्फ इन पैरामीटर्स में नहीं है अलग अलग पैरामीटर्स पैराम वर्क करता है ठीक है अब सपोज मैं बोलूं कि आपको हम लोग सिर्फ पॉवर्टी की बात करें सिर्फ वेस्ट के लेवल पे पर पॉवर्टी में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आ है जैसे एजुकेशन आ सकता है ठीक है फैमिली बैकग्राउंड आ सकता है स्किल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ठीक है इररेगुलर यू नो यू कैन से जॉब हो सकती है ठीक है तो ये सारे पैरामीटर्स हमारी वॉट वॉट इज डूइंग इट इज़ ब्रॉडनिंग यू नो इट लीडिंग टू द ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी ठीक है तो इन्वेस्टिगेशन रिसर्च को तो हॉराइजन को तो एक्सपैंड कर ही रहा है सोशलोलॉजिकल यू नो स्कोप को भी ब्रॉडन कर रहा है तो आई जस्ट राइट इट डाउन increases इन्वेस्टिगेशन होराइजन एंड broadens the स्कोप ऑफ sociology ठीक है ये दोनों आप लिख सकते हैं एज अ काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सेरेंडिपिटी तो देखिये मैंने आपको बता दी ओवरऑल हो सैलेंटिविटी होता क्या है मेक श्योर यू रिमेंबर द नेम ऑफ द एसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस का नाम ध्यान रखिएगा और हमेशा याद रखिए कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि जनरली इंपेरिकल रिसर्च को बहुत ही पैसिव रोल दिया गया है दैट इज इट इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड विद टेस्टिंग और टेस्टिंग एज वेल एज यू नो वैलिडेटिंग ऑफ द हाइपोथेसिस हाइपोथिस को टेस्ट करना है और उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है बट उससे ज्यादा इंपेरिकल रिसर्च का रोल है